नाश्ता मुझे दो, मुझे देर हो रही है, इसके लिए दूसरा ले आना। मायरा मुझे देर हो रही है, मेरी ऑफिस में आती होगी। आज मुझे भी देर हो रही है, और अगर आज मैं पहले नाश्ता कर लूंगी तुम्हारा तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। इट्स फाइन। सायरा आपकी ऑफिस टाइमिंग इतनी स्ट्रिक्ट है, तुम हमेशा बदतमीजी करती हो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आज मुझे जल्दी जाना है, अगर मैं खा लूंगी तो इसमें बदतमीजी वाली क्या बात। आपको तो हमेशा सायरा आपी के रास्ते में आने की आदत है, आपको देर ना भी हो रही हो तब भी आप ऐसे ही करती हैं। फिजा क्या हो गया तुम्हें? आज मायरा को देर हो रही है, कोई बात नहीं। रहने दो, ये लो नाश्ता करना है ना, ये लो जूस भी पियो। मजलूम बनने की आदत है ना तुम्हें सबके सामने। मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगी। ओके मायरा तुम करो नाश्ता, वैसे भी अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। ओ तो मैडम का दिल नहीं चाह रहा था नाश्ता करने, लेकिन फिर भी तुम्हें तो सिर्फ मुझे टोकना था। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। नाश्ता करना है करो, मैं जाके कुछ खा लूंगी कैंटीन में। अरे भाई क्यों शोर मचा रखा है? कुछ नहीं मामा, वही हमेशा की तरह अच्छे बनने का ड्रामा करती है और मुझे बुरा साबित करती है सबके सामने। मुझे देर हो रही थी, आज मुझे यूनिवर्सिटी जल्दी जाना था। नाश्ता लेकर आई सुरैया, मैंने कहा मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, इसके लिए ले आना। बस शुरू कि मुझे देर हो रही है, मैं पहले नाश्ता कर लूँ, मेरा नाश्ता है, और ऊपर से ये फिजा हमेशा की तरह इसकी तरफदारी। मामा कोई इशू नहीं है, मैं कैंटीन से जाके खा लूँगी। ऐसी छोटी सी बात पे फिजा ने बस इसे टोक दिया। मामा प्लीज़ हम जा रहे हैं, आपके इस ड्रामा को इनसे कोई नहीं जीत सकता। मामा देखा आपने इसको, मेरी छोटी बहन है और मुझे से बदतमीजी करती है। अरे बेवकूफ है, अभी उसमें इतनी अकल कहाँ कि इस मीसनी का असल रूप जान सके। चलो तुम बैठो नाश्ता करो आराम से। नहीं करना मुझे नाश्ता, वैसे ही मेरा दिल भी खराब हो चुका है और अब मुझे नहीं पता कि मेरा दिन कैसा गुजरेगा। आप लोग उस सायरा को तो कुछ कहते नहीं है, मुझे बोलते रहते हैं। मायरा मैनेजर साहब भाई अभी हम किसी से बात नहीं कर सकते, हम अपने बेटे से मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, आज तेरी सुबह इतनी जल्दी कैसे हो गई? वो बाबा कुछ दोस्तों से मिलने के लिए जा। और दोस्तों को भी मिल लिया कर, कोई अपने कारोबार पे भी ध्यान दे दिया कर, थोड़ा सा सीरियस हो जा अपने बारे में। अरे बाबा क्या जरूरत पड़ी है मुझे, जब रुपया पैसा चाहता सब कुछ होता है तो लाइफस्टाइल खुद ब खुद बन जाता है। लाइफस्टाइल मेरे भेजा लाड प्यार ने तुझे स्पायल कर दिया। और कोई थोड़ा सा बिजनेस की तरफ भी तवज्जो दे दे। बाबा मुझे क्या जरूरत है बिजनेस की तरफ ध्यान देने की, आप हैं ना बिजनेस को देखने के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई काम काज कर लिया कर पुत्र, इसीलिए चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत कोई बिजनेस कर ले। अब वो बाबा एक नया मॉडल आया क्रूजर का, अगर आप उसको देख लें मेरे लिए तो, यू नो व्हाट आई मीन। जवाब साहब, ओ भाई वो क्रूजर का नया मॉडल आया। आपके चेहरे पे यही बेसाख्ता खुशी देखने के लिए मैंने सरप्राइज दिया आपको। अगर तुम बता के आते तो भी इतनी खुशी होती है। हाँ आपको पता है मैंने आपके प्यार को बहुत मस किया, और आपके लाड प्यार ने ना मुझे बिगाड़ के रख दिया। माँ का लाड प्यार बिगाड़ता नहीं है, संवारता है बच्चों को। मैंने आपको बहुत मस किया। मैंने भी बड़ा याद किया था। देख लो अपने वादे के मुताबिक एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे पास आया, तुम्हें बता भी नहीं सकता कि ये वक्त मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारा है। सच?
लेकिन आपने मुझे तो कभी एहसास नहीं दिलाया कि मुझे कितना याद करते थे। अब दिला रहा हूँ ना तुम्हें एहसास। आज के बाद सारा हिसाब किताब तुम्हारे पास ही होगा। ठीक है, तो आज के बाद आपका सारा प्यार सिर्फ मेरे लिए होगा। Goes without saying. हेलो। हेलो, क्या हाल चाल है जी? कौन? वाह, इतनी जल्दी भूल गई आप? अभी इतना अरसा तो नहीं गुजरा। आपकी शर्त के मुताबिक मैं तालीम हासिल करके वापस आ गया। अच्छा, तो आप हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं हूँ। आज ही वापस आया, सोचा कि तुम्हें तुम्हारी शर्त याद दिला दी जाए। कैसी शर्त? मुझे तो कुछ याद नहीं है। भाई तुमने ही तो कहा था कि जब तक हमारी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती तुम उसे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती। जी, और मैंने ये भी कहा था कि अपने वालदैन की मर्जी के खिलाफ ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिला सकते। तो फिर इंतजार कीजिए, मैं बहुत जल्द अपनी मामा को लेकर आपके घर आऊंगा। खिजर और सायरा का भला क्या जोड़े? कहां खिजर जमाने भर का आवारा निकम्मा निकटू, कहां मेरी पढ़ी लिखी बेटी? इस काबिल है वो? सारे लड़के शुरू में ऐसे ही होते हैं, लेकिन शादी के बाद जब जिम्मेदारी पड़ती है ना तो सब ठीक हो जाते हैं। और वैसे भी मेरे ख्याल में दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है। हेलो, आप यहाँ पे फिर आ गए? कितनी बार मैंने आपको मना किया कि यहाँ मत आया करें। गुस्से में और भी कातिल लग रही है। मेरी नींदें मेरा चैन उड़ा कर कहती हो यहाँ मत आया करो। परवाना भला शमा से दूर रह सकता है? जल के मर तो सकता है ना। मरी तो मिटे हैं, अब और क्या चाहती हो? खिजर, ये मेरा ऑफिस है, मुझे 6 महीने के लिए यहाँ इंटर्नशिप करनी है, प्लीज वो तो इज्जत से कर लेने दो। शौक से करें जनाब, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें पिक कर लूँ, ऐसे ही धक्के खाती भी जाओगे। चले जाओ यहाँ से। चला जाता हूँ, चला जाता हूँ। चाचा और चाची को मेरा सलाम कहना। हाँ जिब्रान। जी मामा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कैसी लगी मायरा तुम्हें? ठीक है, क्यों? मेरी बहन की बेटी है, मैं चाहती हूँ उसे बहू बना के घर ले आऊँ। तो क्या ऐसा कैसे हो सकता है? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? तो क्यों, इसमें हर्ज ही क्या है? भाई मेरी बहन की बेटी है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, तो क्या मसला है? मामा मैंने हमेशा सारा के बारे में ही सोचा है, और मायरा थोड़ी और किस्म की। दिमाग ठीक है तुम्हारा? सायरा, हद हो गई, मैं अपनी भांजी छोड़ के उसकी सौतेली बहन से कर दूं तुम्हारी शादी? बहुत अच्छी। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? ठीक है सौतेली है, लेकिन है तो खाला की बेटी ना। जिब्रान, आइंदा ऐसी बात मत करना, आइंदा सायरा का नाम मत लेना, कभी नहीं। एहसान, क्या लेने आई हो? जबकि ना कोई नाता रहा ना कोई रिश्ता, सब कुछ तोड़ के जा चुकी हो, ये बार बार रابطے की कोशिश क्यों कर रही हो भाई? क्या चाहती हो? एहसान, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार सायरा को गले से लगाना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। बेटी? कौन सी बेटी, किसकी बेटी? उस वक्त तो तमाम रिश्ते नाते तोड़कर चली गई थी, बहुत याद आ रही है। मुझे मेरे गुनाहों की बहुत सजा मिल चुकी है, देखे ना, आमिर जिसकी मोहब्बत में मैंने आप जैसे चाहने वाले शौहर को छोड़ा, अपनी मासूम बच्ची को छोड़ा,
उसी ने मुझे तलाक दे दी। मामा किसी सूरत नहीं मान रही हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। इसीलिए मैं आपसे कहती थी, ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? अगर तुम खाला की सगी बेटी नहीं हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। बस अब ये ख्याल आप अपने दिल से निकाल दें और वालदा की पसंद को अपना लें। ऐसा कैसे हो सकता है? सारा, मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। क्या तुम किसी और के बारे में सोच सकती हो? बताओ मुझे। मैं चाहकर भी तुम्हारी चाहत का इकरार नहीं कर सकती चपराम। मेरी माँ का माजी मेरे लिए बहुत बड़ा ताना है। अगर तुमसे मोहब्बत का इकरार कर लिया तो इंसान मेरे खून के सर आ जाएगा। कहाँ खो गई हो तुम? मेरा सवाल इतना मुश्किल तो नहीं? कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि हम चाहकर भी उनका जवाब नहीं दे सकते। देर हो रही है, घर चले हम। लेकिन मेरे लिए दुआ तो करोगे? दुआ तो दिल की जबान से की जाती है, अब इसका चर्चा नहीं किया जाता। जिब्रान, अजीब उलझन में डाल दिया है तुमने मुझे। समझ में नहीं आ रही क्या करूं। खजाला से मैं कैसे कह दूं कि अब मुझे जिब्रान के लिए मायरा नहीं सायरा चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे कहूं उसे। ठीक है मामा, मैं आपको आजमाइश में नहीं डालूंगा। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन अपने आप को सायरा के अलावा किसी के बारे में भी कन्विंस नहीं कर सका। मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ। वहाँ जाके सुकून तो नहीं मिलेगा मुझे, मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर रहते हुए सायरा का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकालना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मामा, आई एम रियली सॉरी बट आई हैव टू गो। जिब्रान, एहसान, मैं सायमा बात कर रही हूँ। एहसान प्लीज प्लीज सिर्फ एक दफा मेरी पूरी बात सुन ले। एहसान, मैं मानती हूँ कि मैं आपकी और सायरा की गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे मेरे किए की बहुत सजा मिल चुकी है। मैं बहुत मजबूर होकर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज एहसान सिर्फ एक बार मुझसे मिल लें और मेरी बात सुन लें। वालेकुम अस्सलाम। सायरा? सायरा बॉस के ऑफिस में। ओके। हेलो सर, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। तुम्हें पता है मामा मान गई हैं और हम लोग आज शाम ही तुम्हारे पास आ रहे हैं। इतनी आसानी से तो तुम्हें हाथ से नहीं जाने दूंगा सायरा। तुम फिर मेरे ऑफिस आ गए? तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर। क्यों हुआ? और ये मेरा फोन तुम्हारे हाथ में क्यों? वो फिजा का फोन था, बता रही तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हो गया, उनको हॉस्पिटल लेके गई है। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। ज्यादा होशियारी और चलाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप हमारे पीछे चलते आओ। चल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब।
मैं सायरा का फादर बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी एहसान साहब। एक्चुअली वो सायरा बेटी अभी तक घर नहीं पहुँची। घर नहीं पहुँची? नहीं, ऑफिस में तो नहीं है, शायद किसी दोस्त के साथ चली गई होगी। हो सकता है जी, मैं पता करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। मैं ना तुमसे एक बात करना चाह रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे कहूँ। लेकिन तुम मेरी बहन हो ना, तुम मैं तुमसे कह सकती हूँ। अरे आपा, ऐसी क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं मुझे। वो मैं तुमसे जिब्रान के लिए रिश्ता मांगना चाह रही हूँ, सायरा का। हाँ गजाला, मैं जानती हूँ कि मुझे हमेशा से मायरा पसंद थी, लेकिन जिब्रान का ख्याल है कि वो और सायरा आपस में ज़्यादा बेहतर और खुश रह सकते हैं। जिब्रान के लिए सायरा का रिश्ता? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मामा, वो सायरा कहीं नहीं मिल रही। बाबा की कॉल आई थी, हर जगह ढूंढ लिया, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। क्या मतलब, कहाँ गई है सायरा? अरे हमें क्या खबर कहाँ गई होगी, एहसान गए हैं ढूंढने। पता नहीं खाला सायरा क्या चाहती है, हर वक्त कोई ना कोई टेंशन ही क्रिएट करती रहती है घर में। अरे किसी सहेली की तरफ ना चली गई हो? अरे आपा, ये कोई वक्त है सहेली की तरफ जाने का? फिर कोई इत्तला भी नहीं है और फोन भी बंद जा रहा है उसका। एहसान, एहसान कुछ पता चला सायरा का? कुछ नहीं। एहसान भाई, खुदा खैर करे कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट कहीं अस्पताल में ना पता करे। नहीं खाला, फिजा कब से बैठ के टीवी देख रही है, शहर के तो हालात बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई धमाका ना कोई एक्सीडेंट। क्या हो गया मायरा, कभी तो मुंह से कोई अच्छी बात भी निकाल लिया करो। चलो जाओ अपने कमरे में। जी बाबा। मैं बाहर जाके देखता हूँ, हॉस्पिटल वगैरह में कहीं तो। ठहरो बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जी। मुझे लगता है गलतफहमी में उठा कर ले गए हैं, इसलिए तो हमें छोड़ के चले गए यहाँ पर। प्लीज कुछ करो ना, मुझे बाबा के पास जाने, पता नहीं बाबा किस साल में होंगे, प्लीज मुझे बाबा के पास भेजो। यार ना मेरे बाबा को कुछ ना हो। देखो मत रो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही है कि मैं इतना बेबस कैसे हो सकता हूँ। मैं कोशिश सारा, ये देखो मेरे हाथ खुल रहे हैं। मामा, बाबा, फिजा, सायरा आ गई है, मैंने अभी देखा टेरेस से, सायरा खिजर के साथ है, वो दोनों अंदर आ रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना ये उसी के साथ होगी। बस सारी रात हमने कांटों पर गुजारी और ये लड़की, तौबा तौबा, चले मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आप चले मेरे साथ, आपको यकीन भी आ जाएगा। आए, अभी गाड़ी रुकी है बाहर और वो दोनों अंदर ही आ रहे थे। आए आए मामा। आइए मामा, आइए खाला, देखिए आप लोग, ये देखें, मैं कह रही थी ना दोनों साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा आप देखा, मामा देखें, खाला आया, यकीन आपको साथ हैं दोनों। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई अपने बाप के उठे हुए सर को झुकाते हुए? बाबा आप तो ठीक हैं, अब तो तुम्हारा बाप कैसे ठीक हो सकता है जिसकी बेटी सारी रात बाहर गुजार कर आई हो। बाबा मेरी बात तो सुने,
आप लोग गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मामा आपको गलत फहमी हुई है, हमें रात में अगवा कर लिया गया था। अच्छा, सारी रात अगवा रखा, सुबह होते ही छोड़ दिया, ना कोई तावान मांगा ना कोई डिमांड की। अरे लड़की कोई कहानी तो और गढ़ ली होती। खिजर तुम ही बताओ ना रात में हमारे साथ क्या हुआ। हाँ हाँ बताओ ना इन सब लोगों को कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इन सबको पता होना चाहिए, फिर कोई हमारे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा। बताओ इनको। हाँ अब हाँ वो याद आया, वो तुम्हारा फोन रात भर मेरी पॉकेट में रहा। हम चलते हैं, यहाँ तो मामला ही कुछ और है। आओ जिब्रान चलो। आपा सच में मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपको हमारी वजह से सारी रात जहमत उठाना पड़ी और जिब्रान बेचारा भी सारी रात मारा मारा फिरता रहा। अच्छा हुआ वक्त पे पता चल गया, बेचारे जिब्रान ने भी बहुत दुख उठाया। कल को कुछ और हो जाता तो न जाने कितनी और तकलीफ होती। चलो जिब्रान चलो चले चलो। जी जी खुदा हाफिज। आप ओके ओके सायरा अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ, मैं बाबा से बात करता हूँ, मनाने की कोशिश करूँगा उनको, जल्दी आएंगे वो। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज खुदा हाफिज। पापा मेरी बात सुने आप। पापा मैं झूठ नहीं बोल रही। प्यार के जज्बा सारे खो गए, खून के रिश्ते भी दुश्मन की तरह बिखरे हैं सभी। मामा मेरा दिल नहीं मान रहा। जिब्रान नहीं मान रहा तो अपने दिल को मनाओ बेटा। बस मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द मायरा से कर दूँ। मैं हमारा से शादी नहीं कर सकता। क्यों जिब्रान, क्या कमी है उसमें? समझ में नहीं आती कि तुम उससे क्यों इतना भागते हो। मामा मेरी बात समझने की कोशिश करो, इस वक्त मैं जिस पोजीशन में हूँ ना, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। और फिर मायरा, मेरी और उसकी पर्सनालिटीज में बहुत फर्क है, शी इज नॉट माय टाइप। अगर तुम्हें अपनी माँ की तन्हाई का एहसास नहीं है। मामा यू कांट डू दिस टू मी। मामा कम इन। क्यों किया तुमने ऐसे? अगर तुम्हें यही करना था मुझे पहले बताती, मैं तुम्हें अपने जहन से निकाल देता। जिब्रान आप मुझे गलत समझ रहे। बोलती क्यों नहीं है, बोलो। मैंने कभी भी आपकी हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि मैं तो आपको बताना चाह रही। झूठ बोल रही हो। तुम्हें शौक है लोगों को डिमीन करने का, उन्हें नीचा दिखाने का, उनके जज्बात का मजाक उड़ाने का। आपको कोई हक नहीं है मुझ पे यूं इल्जाम लगाने का। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं अगर इतना भी नीचा था।
मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी आसानी से पीछे कैसे हट सकते हैं। आप तो ये कहते थे कि आप उससे सच्ची मोहब्बत करते हैं। और मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि मेरी मदद करने में तुम्हें क्या फायदा। मेरी बहन को एक प्यार करने वाला शौहर मिल जाएगा, इससे बढ़कर मुझे और क्या फायदा चाहिए। लेकिन मोहब्बत तो उससे जिब्रान भी करता है। हाँ, मगर जिब्रान वो असल में जिब्रान से मोहब्बत तुम करती हो और तुम चाहती हो कि सायरा जिब्रान के रास्ते से हट जाए, है ना? सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही। मैं जिब्रान की वजह से ही ये चाहती हूँ, लेकिन मैं जिब्रान की वजह से ये चाहूँ या किसी भी और वजह से, ये मेरा मसला है, आपका नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। गुड, तो फिर एक काम कीजिए, ये भी बता दीजिए कि आप मेरी क्या मदद कर सकती हैं। सायरा को राजी कर सकती हूँ कि वो आपसे शादी करे। और आपके वालिद मोहतरम को कौन राजी करेगा? उन्हें सायरा खुद राजी करेगी। सच में क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन। अब यकीन करना ना करना ये तो आप पे मुनहसर है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। आप माने या ना माने, आप जाने। चलिए, कर लेते हैं यकीन आपका, फायदा आप ही का। जी यकीनन फायदा मेरा। जिब्रान बेटा, अगर तुम कहीं और जाना चाहते हो, कहीं और सेटल होना चाहते हो और खुश रहोगे वहां, तो बेटा तुम जरूर जाओ। अब अकेली रह लेंगी मम्मी? हाँ, मैं रह लूंगी अकेली। ज्यादातर जिंदगी तो गुजर ही गई है बेटा, बस थोड़ी सी रह गई वो भी गुजर जाएगी। मेरे लिए सबसे जरूरी तुम्हारी खुशी है। मामा, मुझे अपनी नहीं आपकी खुशी है। आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल। जिब्रान बेटा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए आज भी सायरा का रिश्ता लाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो खिजर की जगह तुम्हारे साथ शादी के लिए मान जाए तो बेटा मुझे तो कोई इतराज नहीं है। नहीं मामा, मुझे अब सायरा में तो इंटरेस्ट है कि मेरी गलती थी कि मैं नफ की ख्वाहिश कर बैठा था। बेटा, मायरा तुम्हारे साथ खूब जचेगी, वो तो सायरा से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं आज ही जाके खजाना से रिश्ते की बात कर। मामा, मैंने सायरा को खूबसूरती के बिना पर चूज नहीं किया था, बल्कि उसकी सादगी और मासूमियत ने मुझे अपना असीर बना लिया था। सुनो जी मामा, कल मायरा की मंगनी है और मैं नहीं चाहती उसकी खुशियों पर तुम्हारा मनहूस साया भी पड़े। और हाँ, अपने बाबा से तबीयत की खराबी का बहाना बना देना, वरना तुम्हें ना पाकर उनके दिल को कुछ होने लगता है। हेलो, आवाज सुनते ही मेरे दिल की हालत खैर हो जाती है, और जब तुम मेरे साथ हो तब क्या हालत होगी। तुम आखिर मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम मेरे दिल को समझा दो ना, वो तुम्हारा ख्याल छोड़ दे और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा।
गजाला गजाला वो सायरा दिखाई नहीं दे रही सुबह से, खैरियत है, किधर है वो? वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो आराम कर रही है अपने कमरे में। तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बता देती, मैं डॉक्टर को बुलाता। खैर मैं देख के आता हूँ। अरे अरे रहने दीजिए ना, तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही है, आप चेंज कर लें। वो मैं चेंज कर लेता हूँ, लेकिन ज़रा एक दफ़ा उसे मैं देखा हूँ, मैं आता हूँ। इनको कहाँ चैन आएगा अपनी लाडली को देखे बगैर। हम सब एक कमरे में आएंगे। बैठे सारा, आर यू ऑलराइट? यस सर। क्या सारा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में आप जैसे चाहते उस तरह होता नहीं। अक्सर हमें अपने रिश्ते बचाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन इस कुर्बानी को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत समझना चाहिए। मैं मानता हूँ ये इतना आसान नहीं है, इट्स ईजियर सेड। आंखों में आया आंसू छुपा कर हंसना पड़ता है, यही जिंदगी है। सर आपने भी समझ थी ना, समझ मेरी जिंदगी की सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशी थी। मगर जब मैंने अपने भाई की आंखों में उसकी मोहब्बत की जुगनू को जगमगाते देखे तो छोड़ दी अपनी खुशी, और भाई की जिंदगी में उसकी मोहब्बत के उजाले में खेल दिए। और देखो आज वो सबके सामने एक मुकम्मल और एक मजबूत इंसान, लेकिन अपने अंदर के अधूरेपन को कभी अपने आप पर गालिब नहीं आने दिया। सर आपने कुर्बानी देके अपने भाई को पा लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी खाली हाथ हूँ। रिश्तों के मामले में बहुत बदनसीब हूँ मैं, मोहब्बतें रिश्ते कुछ भी रास नहीं आता मुझे। अपनी जिंदगी के अधूरेपन को अपनी ताकत बनाओ, इन आंसुओं का सहारा छोड़ दो, खुशी को आने दो अपनी जिंदगी में। जस्ट बी पॉजिटिव। चलो बस हो गया, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। ये लो अपना मोबाइल, मेरे पास था। मायरा आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कह रही? क्योंकि जब तक तुम इस घर में रहोगी जिब्रान दिल से मेरा हरगिज नहीं हो सकता। जिब्रान तुम्हारा मंगेतर है, उसके नाम की अंगूठी पहन चुकी है, बहुत जल्द तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी। अंगूठी? यह अंगूठी तो सिर्फ नाम की है, क्योंकि उसके दिल पे दिमाग पे सिर्फ तुम्हारा कब्जा है।
वो तो तुमसे मोहब्बत करता है, मुझसे तो कुछ भी नहीं। जबरन ये रिश्ता कायम किया है उसने, बस। मैं जबरन को अच्छे से यकीन दिला चुकी हूँ कि मैं खिजर को पसंद करती हूँ, लेकिन खिजर अच्छा इंसान नहीं है, मैं उससे शादी तो नहीं कर सकती। देखो सायरा, तुम्हारी माँ की जो भी रिप्यूट है उसके बाद तुमसे कौन शादी करेगा? कोई बाइज्जत घराना इस घर में तुम्हारा रिश्ता लेके हरगिज़ नहीं आएगा, और अगर कोई फैमिली आ भी गई तो जो कुछ तुमने किया है, यानी कि एक रात खिजर के साथ बाहर रही हो, ये सब जान लेने के बाद कौन करेगा तुमसे शादी? कोई भी नहीं। एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, खिजर। इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू बाय द वे, थिंक अबाउट इट। देखो सारा बेटा, समझने की कोशिश करो बेटा, तुम्हारी माँ बीमार है और उसे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन बाबा। बस बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सिर्फ अपने दिमाग में ये बात सोचो कि तुम्हारी माँ बीमार है, तनहा है, परेशान है और उसे तुम्हारी जरूरत है। अगर उसने उस वक्त बेटा माँ होने का हक अदा नहीं किया तो तुम तो कम अज कम बेटी होने का फर्ज अदा करो ना। उन्होंने अपने माँ होने का फर्ज अदा नहीं किया, वो तो मुझे छोड़ के चली गई थी। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी बेटी, तुम बेटी हो उसकी, वो तुम्हारी माँ है, प्लीज। शुक्रे बीबी जी, आप आ गई हैं। अब मेरी बीबी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपकी जुदाई इनका रोग है। सायरा हो ना? जी मैं सायरा हूं, जिसे मां की पहचान होने से पहले ही आपने खुद से जुदा कर दिया था। क्यों है इतनी जालिम, इतनी कठोरा? क्यों हर बार आप मुझसे मुंह फेर लेती हैं? हद के लिए बहुत शिकवे हैं मुझे आपसे, जवाब दे मेरे सवालों का। कोई माँ इतनी जालिम कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है कि अपनी ही बेटी से मुंह मोड़ ले? सारा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैं बहुत बुरी माँ हूं, मैंने अपनी इज्जत अपने पैरों तले रोक, मैं अंधी हो गई थी बेटा, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। सर मैं आई कम इन? आइए आइए, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू। आज आप यहाँ? अच्छा ये बताइए, आगे आपने मास्टर्स में एडमिशन क्यों नहीं लिया? सर एडमिशन तो मैंने ले लिया था, बस जॉइन नहीं किया। लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं? सर वो एक्चुअली मेरी एंगेजमेंट हो गई है और बहुत जल्द शादी होने वाली है। ओ मुबारक हो आपको। कौन है वो खुशनसीब जो इतनी हसीन लड़की का नसीब बनेगा? कजन है सर मेरे। लेकिन मुझे एक बात पे इख्तलाफ है। वो क्या सर? वो ये कि पहले तो आपको एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, शादी ब्याह तो हो ही जाना होता है। आई नो सर, मेरे बाबा भी यही चाहते थे, लेकिन बस मेरा मूड ही नहीं बना। ये तो और बुरी बात है कि आपके वालिद साहब चाह रहे हैं और आप इसकी ख्वाहिश नहीं रखती। ओके सर, आई विल थिंक अबाउट इट।
इन सब बातों को छोड़िए, आप ज्वाइन तो कीजिए, जो कमी बेशी है मैं उसे कोशिश करूंगा कि मैं उसे पूरा करवा दूँ, और अभी महीना ही हुआ, इतना ज़्यादा अरसा हुआ भी नहीं। जी सर। सर वो एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी, मेरी बहन है ना, तो उसका ये असाइनमेंट है और कुछ रेफरेंसेस उसको रिक्वायर्ड हैं, अगर काइंडली आप कुछ देख सकें। श्योर, लाइए। कोई मसला नहीं, हो जाएगा। आप कितने दिनों के लिए गई है वहाँ? मैंने पूछा नहीं उसे, जितने दिन दिल चाहे उसका रह सकती है। जी बिल्कुल, अब माँ जैसी भी है सायरा को तो अपना फर्ज निभाना चाहिए ना। अब एहसान वो सुमेरा आपा शादी की डेट मांग रही है। भाई इतनी जल्दी क्या है, पहले सायरा की शादी हो जाए। मायरा की यूनिवर्सिटी पे तो स्टार्ट हो चुकी है, और वो जा क्यों नहीं रही यूनिवर्सिटी? बाबा मैं बस जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, कल परसों में मैं ज्वाइन कर लूँगी इंशाल्लाह। लेकिन शादी तुम्हारे सामने तो आपा ने कहा था। मामा वो मेरा इरादा चेंज हो गया है, मुझे पढ़ना है बस, मुझे अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है। अरे तो मैं आपा को क्या जवाब दूंगी? मैंने आपको रिश्ता तय करने से पहले ही बता दिया था कि इन्हीं मसलों की वजह से मैं कबल अज वक्त मंगनियों के हक में बिल्कुल नहीं। आप उन्हें साफ साफ बता दें कि मायरा की तालीम मुकम्मल होने और सायरा की शादी के बाद ही अब ये शादी हो सकती है। चले मायरा की तालीम तो 2 साल में मुकम्मल हो जाएगी, इस दौरान सायरा की शादी हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आपा और इंतजार नहीं करेंगे। सायरा इस घर से तो चली गई लेकिन इस घर के लिए फिर भी मसला बनी हुई है। अरे हमेशा के लिए थोड़ी गई है, जब तक जी चाहेगा रहेगी, फिर वापस आ जाएगी। फिक्र मत कीजिए मामा, इतनी जल्दी नहीं आएगी वापस। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। तुम क्या लेने आए हो यहाँ? माय गॉड, किस ठीट मट्टी के खमीर से तुम्हारा वजूद बना है मुझे समझ नहीं आता। चाचा जान, मोहब्बत ना कम वक्त बेइज्जत करवा के रख देती है लेकिन जान नहीं छोड़ती। देखो चले जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी फजूल गुफ्तगू नहीं सुनना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाचा जान, चला जाता हूँ। लेकिन जाने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, यानी कि पढ़ाना चाहता हूँ। मैसेज है और ये प्लीज ये पढ़िएगा, और ये सेंडर का नाम जरूर पढ़िएगा। सायरा, चालबाज इंसान, ये घटिया चालें किसी और शख्स के साथ आजमाना, बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारी जैसी, बदतमीज इंसान। चाचा जान सायरा बुजदिल है, डरती है आपसे। चाचा जान आपसे अपने दिल की बात नहीं कर सकेगी, लेकिन आप तो समझदार हैं ना, इसकी बात पे जरा गौर तो करें। सुनो, सिक्योरिटी गार्ड्स को अंदर भेजो, ये जो फजूल आदमी मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ है इसे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकलवा दो। अरे अरे चाचा जान आप ये जहमत क्यों कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। अब हाँ, लेकिन मेरी इस बात पे सोचिएगा जरूर, प्लीज प्लीज। बैठे बैठे बैठे। ओ सर क्या हो गया, बैठे यहाँ आराम से। जी सच पूछिए तो आप जब मुस्कुराती हैं तो यूं लगता है जैसे हर तरफ हर जगह बस आपकी मुस्कुराहट ही होती है और उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। रियली? क्या वाकई मेरी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है? क्यों, इस बात पे कोई शक है? आपके फियांसी आपकी तारीफ नहीं करते क्या? नहीं सर, शायद वो बहुत ही प्रैक्टिकल है या फिर बहुत ही बोरिंग है, आई डोंट नो। कमाल है, इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की का साथ भी उन्हें रोमांटिक नहीं बना पाया। बस सर,
शायद वो ऐसे ही है। देख लीजिए कहीं उनका झुकाव कहीं किसी और तरफ तो नहीं, वरना इतनी खूबसूरत लड़की को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। कहाँ खो गई आप? नहीं सर, कुछ नहीं। चलिए अपना असाइनमेंट दिखाइए, क्या समझ नहीं आ रहा था आपको, लाइए। सर अंजुम कह रहे थे कि कुछ इररिलेवेंट पॉइंट है इसमें जिसको चेक आउट करना होगा। अच्छा ये बताइए, अरे आप यहाँ? तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी शादी करवाने में मदद करूँगी। हाँ मैं तो अपने वादे पे कायम हूँ, मगर मैं क्या कर सकती हूँ, वो तो हमारे घर से ही चली गई अपनी अम्मी के घर। मामा के घर? एड्रेस तो होगा ना तुम्हारे पास, वो दे दो मुझे। मेरे पास एड्रेस तो नहीं है, मगर मैं बस ये कर सकती हूँ कि मैं किसी से पता करके आपको टेक्स्ट कर दूँ। ओके, लेकिन प्लीज जल्दी। जी जी, डोंट वरी, आई विल गेट इट डन, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू। सर आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी जहमत उठानी पड़ रही है। मेरा घर तो आपके घर के रास्ते में है ही नहीं, आपको ऑल द वे जाके मुझे ड्रॉप करना पड़ रहा है। इट्स ऑल राइट, इट्स नॉट अ बिग डील। आपके साथ जितना भी वक्त गुजारा जाए उतना ही कम लगता है। सच ये है कि जो लम्हात आपके साथ गुजरते हैं वो बहुत बहुत हसीन होते हैं, वरना घर जाकर तो वही। क्यों सर, आपका घर आपकी फैमिली नहीं है क्या? फैमिली तो है, लेकिन फैमिली के साथ जो सुकून भरा एहसास होता है वो मेरी किस्मत में नहीं। ओह आई एम सॉरी सर, मैंने ये सवाल करके आपको डिस्टर्ब कर दिया शायद। नहीं मैडम, हकीकत ये है कि मुझे अब किसी सहारे की जरूरत है, जो हर पल हर लम्हे मेरे साथ हो, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात गुजार सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? मेरा नाम खिजर है और मैं सायरा से मिलने गया। सायरा तो इस वक्त घर पे नहीं है, आप कैसे जानते हैं सायरा को, अपना तारुफ कराइए। दरअसल मेरे बाबा और एहसान अंकल दोनों कजन्स हैं, और मेरी और सायरा की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सायरा ने आपको बताया होगा? नहीं, उसने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं बताएगी वो कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताएगी, सारे दुख दर्द अकेली सहती। मैं कुछ समझी नहीं। अब दरअसल रिश्ता भिजवाया था सायरा के लिए, अंकल एहसान ने अपनी बीवी की बातों में आकर ना सिर्फ रिश्ता देने से इनकार कर दिया बल्कि बेइज्जत करके भी घर से निकाला। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? सौतेली बेटी, उनको तो गुस्सा इस बात पर है कि उनकी बेटी का रिश्ता नहीं मांगा और सायरा का रिश्ता मांगा। मायरा बाजी, ये आपके लिए कोई देके गया है? मेरे लिए? जी, और ये कार्ड भी। कौन था? पता नहीं, बस पकड़ा के चला गया। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। वाओ, द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यकीनन जिब्रान वहीं भेजे होंगे। लेकिन इस कार्ड पे तो जिब्रान ने नाम ही नहीं लिखा अपना।
ये भी भला कोई सोचने की बात है, उनके सिवा और कौन हो सकता है? भाई नाम नहीं लिखा हुआ और सिर्फ डिनर की इनविटेशन है। मैं काम करती हूँ, फोन करके पूछती हूँ जिब्रान से। जिब्रान का तो नंबर ही ऑफ है, तो खाला को कॉल कर लूँ। राइट, कभी कभी बात करती हूँ लेकिन करती ठीक हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खाला वो जिब्रान से बात हो सकती है, उनका नंबर ऑफ जा रहा है। जिब्रान तो बेटा सिंगापुर गया हुआ है काम से। अच्छा चलें ठीक है खाला। अच्छा ठीक है, ओके ओके अल्लाह हाफिज़। जिब्रान तो सिंगापुर गया हुआ है दो दिन हो गए। सिंगापुर गए हुए तो फिर ये कौन हो सकता है? मेरी बेटी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हाँ नहीं, मैं इंशाल्लाह कल जरूर आऊँगा। हाँ हाँ भाई, प्रॉमिस, जरूर आऊंगा। अच्छा, तजदीद वफा का यकीन दिलाया जा रहा था बेटी को। वाह एहसान साहब, वाह, आपकी बेटी बिल्कुल दुरुस्त सिमत जा रही है। बड़ी चालाकी से दोनों के दरमियान फासले समेट रही है। बस खजाना, अब अपनी जबान से एक लफ्ज भी और मत निकालना। मेरे सब्र और मेरी बर्दाश्त को इतना मत आजमाओ कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊं। इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊं। जिब्रान की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं, मुझे बगैर बताए मुल्क से बाहर तक चला गया। बताना तो दूर की बात, एक फोन तक करना गवारा नहीं किया उसने। और दूसरी तरफ सरजिया है जो मुझसे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं। और जिब्रान सारी उम्र अपनी नाकाम मोहब्बत का सोग मनाता रहेगा मेरे सामने। मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, ना उसका प्यार ना उसकी मोहब्बत। और सरजिया वो तो मुझ पे अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। मायरा, तुम आकर मिले भी नहीं मुझसे। कौन था वो और क्यों बुलाया था? क्या बताना था इसमें? कोई नहीं था, वो मेरी फ्रेंड्स थी, कुछ उन्होंने सरप्राइज डिनर प्लान किया हुआ था तो बस ऐसे ही बुके भेज दिया था, बस और कुछ नहीं। चले मामा जल्दी से जूस पी लें, इसके बाद हम दोनों मिलकर फिश खाएंगे। मैंने आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी फिश बनाई। इधर बैठो मेरे पास। तुम हर वक्त किचन में घुसी रहती हो, काम करती रहती हो, मेरे पास बैठ के तो बातें ही नहीं करती। अच्छा बताएं क्या बातें करनी है? सायरा मुझे मालूम है कि तुमने मेरे बगैर बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। मामा जानती हैं जिनकी माएं उनके साथ नहीं होती ना, उनकी खुशियाँ उनके दुख सब अधूरे रह जाते। सारा बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरे जिंदा होते हुए भी तुमने बिन माँ के जिंदगी गुजारी है। क्यों बार बार माफी मांग के आप मुझे शर्मिंदा करती हैं? फिर मुझे बताओ तुम्हारी आंखों में एक कौन सी उदासी है, कौन सा दुख है जो तुम्हें खाए जा रहा है, बताओ मुझे। नहीं मामा, कैसी उदासी, कैसा दुख, अब आप मेरे पास हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? बताओ ना, ऐसा कौन सा ख्वाब मुझे अधूरा रह गया? अक्सर ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, उन्हें पूरा करना बस हमारे बस में नहीं होता। लेकिन सायरा मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, वरना ये जो अधूरे ख्वाब होते हैं ना बेटा, इंसान के लिए अजियत बन जाते हैं। रिश्तों का कर्ज अदा करने के लिए अक्सर ख्वाबों की कुर्बानी देनी पड़ती है,
आप भी बस यूं ही समझें कि आपकी बेटी ने अपने ख्वाबों की कीमत अदा करके अपने रिश्तों का कर्ज अदा कर दिया। एक दो दिन से उसे क्या फर्क पड़ेगा। हेलो हेलो मायरा, मैं जिब्रान बात कर रहा हूँ। जिब्रान, आप वापस आ गए? आप नहीं, अभी मैं सिंगापुर में ही हूँ, मुझे कुछ दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अच्छा, वो मामा की तबीयत खराब है, तुम उनके पास चली जाओ। खाला की तबीयत खराब है, क्या हुआ है खाला को? नहीं कुछ खास नहीं, उनका बीपी शूट कर गया था। आई थिंक इस वक्त उनके पास किसी को होना चाहिए। अच्छा, तो उनकी तबीयत खराब हो गई तो आपको मेरी याद आ गई। वैसे तो कभी आपने मुझे फोन करने की जहमत नहीं की, हद होती है। वैसे मैं आपको केयर टेकर लगती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी मामा तुम्हारी भी तो कुछ लगती है मेरा। जी हाँ बिल्कुल, पता है मुझे, वो मेरी खाला लगती है। तो ठीक है, मैं उन्हें कॉल करके उनकी तबीयत पूछ लूंगी। थैंक यू सो मच, आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिएगा। इस लड़की ने तो बिल्कुल ही हद कर दी, जरा एहसास नहीं कि होने वाला ससुराल है, बात सोच समझ कर कीजिए। क्या हो गया मामा, किसने हद कर दी? और किसने हद करनी है, मायरा की बात कर रही हूँ। जो मुंह में आता है बोले चली जाती है, देखती नहीं है कि सामने कौन है। देख ले मामा, आखिर आपने मान ही लिया ना। खैर अब क्या हो गया? अरे सुमेरा आपा की तबीयत खराब थी, जिब्रान ने फोन करके कहा कि जरा अम्मी के पास आ जाओ। बस वो तो शुरू हो गई मोहतरमा कि मुझे वैसे तो कभी याद नहीं किया, अब अपना काम पड़ गया तो मुझे फोन करती है। लो ये बातें थी कहने वाली भला कोई? ये तो वाकई उन्होंने बहुत गलत किया है, लेकिन आपको किसने बताया? अरे जिब्रान का फोन आया, उसने बताया। कहा तो उसके सर पर भूत सवार था जिब्रान से शादी करने का, और अब ऐसे कर रही है जैसे हमने जबरदस्ती ये रिश्ता किया हो। बहुत खूबसूरत है हमारे इस रिश्ते की तरह। थैंक यू। बस तुम अपने घर वालों से बात करो, मुझे अब मजीद इंतजार नहीं होता। क्या करूं मैं सर, मैं तो चाहती हूं कि उनसे बात करूं, बट आई नो कि मेरे पेरेंट्स कन्विंस नहीं होंगे। प्लीज मायरा, उन्हें एक बात समझाओ कि जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसमें उम्रें कोई मानी नहीं रखती। और एक बात और, आज के बाद तो मुझे सर नहीं कहो। जी सर, सॉरी, आई मीन सिया, मैं तो खुद चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो मैं घर वालों को बताऊँ और जल्द से जल्द हम एक हो जाएं। मगर मुझे पता है कोई नहीं समझेगा कि मेरा दिल क्या चाहता है। आपको पता है जिया, बचपन से लेके आज तक कभी मेरी कोई बात नहीं मानी गई, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की गई, हमेशा उस सायरा की हर बात सुनी गई है। इसलिए मुझे पता है ये भी कोई नहीं समझेगा कि अब मेरा दिल क्या कहता है। देखो ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा हक है तुम्हें। हमें डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा जिया, हमारा कोई साथ नहीं देगा। मैं सिर्फ तुम्हारा मुंतजिर, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे करने को तैयार हूं। क्योंकि तुमने जिब्रान के साथ बदतमीजी? ओ, तो शिकायत कर दी उसने आपसे? हाँ तो क्या ना बताता, क्या जरूरत थी तुम्हें उसे ये सब कुछ कहने की? क्या आप लोगों को दिखाई नहीं देता कि वो मेरे साथ किस तरह से बिहेव करता है? जब से हमारी मंगनी हुई है कभी उसने मुझसे कहा है कि चलो चलो कहीं बाहर चलते हैं, मुझसे बात तक नहीं करता वो तो। और अब अचानक से जब उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई तो उसे मैं याद आ गई। वाह, देखो बेटा जिब्रान का मिजाज आम लोगों से खासा मुख्तलिफ है, और ये तो उसका मान था कि उसने अपनी माँ की बीमारी में तुम पर भरोसा करके तुम्हें बुलाया। नहीं मामा, ये मान नहीं है बल्कि अपनी जरूरत और अपना मतलब निकालने के तरीके हैं। और मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि मुझे ये समझना है कि मोहब्बत क्या होती है और अपना मतलब पूरा करना क्या होता है।
वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा भी क्या मतलब होगा उसे तुमसे? बस मामा, मैं नहीं कर सकती उससे शादी। मैं अपनी सारी जिंदगी उस शख्स के लिए बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे एक ऐसे इंसान से शादी करनी है जो मुझसे प्यार करे, मुझसे मोहब्बत करे, ना कि अपनी नाकाम मोहब्बत का रोना रोता रहे 24 घंटे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? ऑल फॉल पके जा रही हो। दिमाग खराब नहीं हुआ मेरा, बल्कि अब तो मेरा दिमाग ठीक हुआ है। ये अंगूठी आप उन्हें वापस कर दीजिए। मायरा, मामा प्लीज, अब यहां पे कोई ड्रामाई सीन क्रिएट मत कीजिएगा। तुमने मंगनी या शादी को कोई खेल समझ रखा है? ये वही जिब्रान है जिसकी मोहब्बत में तुम पागल हो रही थी। कमअकली थी मेरी, मैं ये समझती थी कि मुझसे मंगनी कर लेने के बाद वो मुझसे मोहब्बत करने लगेगा, अट्रैक्ट होगा मेरी तरफ। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझसे मोहब्बत करना तो दूर की बात, वो 24 घंटे अपनी नाकाम मोहब्बत को रोता रहता है। बेगाना हो गया दुनिया से उस मोहब्बत के पीछे, क्या करूं मैं फिर? होश के नाखून लो मायरा, ये पकड़ो। जज्बातीपन से बाहर आकर सोचना, फिर तुम्हारी समझ में आएगा। क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। I had to come back. ए जिब्रान, इतनी भी खराब नहीं थी कि तुम काम छोड़ छाड़ के भाग आओ। आप जानती है ना, मेरे लिए आप सबसे पहले हैं, बाकी चीजें बाद में। इतनी खुशी हो रही है तुम्हें देख के। I can see that on your face. अच्छा, क्या लाए मेरे लिए? परफ्यूम, चॉकलेट? चॉकलेट्स तो नहीं, शुगर, आपको अपनी पता है ना। परफ्यूम? या, परफ्यूम। गुड, चलो चलो मैं चेंज कर लूं। अच्छा। फिर लेट्स हैव फूड टुगेदर। ठीक ठीक, राइट? पता नहीं क्या पक्का है तुम्हारे लिए, है भी नहीं कुछ। राइट, योर कंपनी मैटर्स। वो मैं सायरा बेटी और खिजर के रिश्ते की बात पक्की करने के लिए हाजिर हुआ था। सायरा और खिजर की? अरे उस दिन तो मेरा बेटा आपकी बेटी के काबिल नहीं था, ये अचानक काया पलट कैसे हो गई? हकीकत में अमजद भाई, उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था और मुझे यकीन हो गया कि ये सब रिश्ते नाते तो आसमानों पर ही तय होते हैं। हम जो चाहते हैं, चाहने के बावजूद भी वो सब कुछ नहीं कर सकते। चलो भाई, जब सब कुछ आसमानों पर तय हो गया है तो हम कौन है बीच में आने वाले? हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन मुझे इस रिश्ते पर एतराज है। क्या क्या कह रहे हैं पुत्र? एहसान चचा, आपके हाथों से जो मेरी बेइज्जती हो चुकी है, हाउ इज पॉसिबल कि हम ये रिश्तेदारी करें? ओए पुत्र, ये पुराने बातों को भूल जा। बाबा जान, अपनी बेइज्जती इतनी जल्दी भूल नहीं सकता। लेकिन खिजर बेटा, मैं अपने पिछले रवैये पर माजरत खा हूं। गुड, ठीक है चाचा, लेकिन मेरी एक शर्त है, छोटी सी शर्त। शादी में आप शरीक नहीं होंगे। भैया तू क्या कह रहा है, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? बाबा जान, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं बाबा। अगर चचा को मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो मुझे भी ये शादी मंजूर नहीं है, नेवर माइंड। ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं इस शादी में शिरकत नहीं करूंगा। ये कैसे हो सकता है, बाप के बगैर बेटी की शादी? ये क्या कर रहे हो? सॉरी बाबा जान, आप बीच में मत बोलिए, मुझे जरा मामला तय करने दीजिए। तो चचा, एक शर्त और है मेरी, शादी
इसी वीक में कर लेते हैं, संडे बेहतर रहेगा, आज से ठीक 5 दिन बाद। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। गुड गुड। तो बेटा ये क्या कर रहा है? रोक ले एहसान को, रोक ले। देख पुत्र, हम दुल्हन को इज्जत के साथ अपनी बहू बनाकर घर लाएंगे। रोक ले, क्या कर रहा है? तुम पागल तो नहीं हो गया? बाबा आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं जिस बात पे अड़ जाता हूँ मैं नहीं हिलता। आप प्लीज रहने दें, मुझे करने दें, मैं कर लूंगा। क्या कर रहा है? बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपके बेटे की शादी। तैयारी करें आप शादी की? कैसी तैयारी, क्या बात? सर की कौन ये मुझे क्यों फोन कर? हेलो। लगता है जिब्रान को छोड़कर किसी और से दिल लगा बैठी हैं आप। इस बकवास का मकसद? अरे अरे अरे, मेरा क्या मकसद? मकसद तो तुम्हारे होते हैं, वो भी बड़े गहरे। मैंने तो तुम्हें किसी के साथ घूमते हुए देख लिया था, तो सोचा शायद। मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पे कॉल क्यों की? अरे अरे, मेरी होने वाली साली हो तुम, शादी में कुछ रस्में वगैरह भी करनी होगी तुमने, सोचा पहले से तय कर लेते। क्या? अरे शादी हो रही है मेरी तुम्हारी सुतेली बहन के साथ, और तुम्हारे वालिद मोहतरम खुद आए थे मेरे घर, रिश्ता तय करके गए हैं मेरी शराइत पर, सरप्राइज। मगर ये कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारे फादर को भी तो रोक दिया था मेरे शादी पे आने से, लेकिन तुम जरूर आना, तुम आओगी मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, फोन बंद कर रहा हूँ, बहुत काम है। राइट ओके बाय। तो आखिर बाबा मान गए, मानेंगे क्यों? सायरा की ख्वाहिश थी, मायरा ने थोड़ी कहा मेरी किसी ख्वाहिश की परवाह होगी तो मेरी भी अहमियत होती, ऐसा तो कुछ भी नहीं। आइए आइए, प्लीज तशरीफ लाइए, हैव अ सीट प्लीज। जैसे कि मैं अपना नाम आपको ज़ियार रहमान बता चुका हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। जी जी, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे। से जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो थोड़ी गैर मुनासिब है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इसे थोड़ा तामुल से सुनिएगा। जी जी फरमाइए प्लीज़, क्या कहना चाहते हैं? मैं और आपकी बेटी मारा एक दूसरे को पसंद करते हैं। मिस्टर ज़िया, इतनी बड़ी बात करने से पहले कम से कम कुछ तो सोचा होता आपने। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ उसे आपको जरा तहम्मुल से सुनना पड़ेगा। हम तो हर पहलू पे सोच चुके हैं, हर मौजू पर गौर कर चुके हैं। देखिए मायरा की हम मंगनी कर चुके हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले। मायरा की भी मर्जी पूछ लेती है, उसकी पसंद दरअसल वो उस शादी के हक में नहीं है, वो उससे शादी करना चाहती है। देखिए मिस्टर ज़िया, प्लीज़ ये हमारे घर का मामला है, बस नो मोर। हमने अपने घर के मामले को किस तरह सुलझाना है हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं, प्लीज़ आप जा सकते हैं। आप लोग सोच लीजिएगा जरा हमें दिमाग से, ऐसा कदम ना हमें उठाना पड़ जाए जिसके बाद आपको और हमें पछताना पड़े। जो बात भी है सच सच बताओ मुझे। सच तो ये है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ
और उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। बाबा। जी बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी है? आप प्लीज जिया के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या कह रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम्हारी जबरान के साथ मंगनी हो चुकी है बेटा। मैं फैसला कर चुकी हूँ बाबा, प्लीज मान जाइए। देखो किसी भी सूरत वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है बेटा। क्या हो गया तुम्हारी अकल को? मैंने पता करवाया यूनिवर्सिटी से, अच्छी रेपुटेशन नहीं है उसकी। बाबा जहां तक बात रेपुटेशन की है ना, तो खिजर भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, सब जान। आप नहीं कर रहे क्या शादी? जब आप सायरा की शादी उसकी उसकी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं खिजर से, तो फिर मेरी क्यों नहीं? एक बात कान खोल कर सुनो, ना तो सायरा की शादी खिजर से होगी और ना ही तुम जिया के साथ शादी। सुन लिया तुमने? जा सकती हो तुम। सिर्फ 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 हेलो जिब्रान, कैसे हो तुम? मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक। I'm sorry मैंने पहचाना नहीं, because I didn't have the number skip। अभी मैंने अपना तारुफ करवाया नहीं तो तुम पहचानोगे कैसे? मैं खेजर बोल रहा हूँ, तुम्हारे महबूबा का होने वाला शौहर। हाँ, जिब्रान संडे को शादी है हमारी, तुम अगर शादी में शिरकत करोगे तो सायरा को बहुत खुशी होगी, जरूर आना। अरे सायरा तुम आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है भाई तुम शादी वादी कर रही हो? भाई किससे कर रही हो शादी? हाँ, इतने साल तुम्हें पाला पढ़ाया लिखाया अपने पास रखा और तुमने अपनी शादी की हवा भी नहीं लगने दी। चलो मैं तो सौतेली थी, बाप तो तुम्हारा सगा था, उसको भी नहीं बताया तुमने। मामा ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो। चलो छोड़ो, भले किसी से भी शादी करो, मुझे इससे क्या। वो मायरा और फिजा कहाँ है? फिजा कॉलेज गई है, मायरा अपने कमरे में। नजर मायरा से मैं कोई जरूरत नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं, आराम कर रही है वो। बाबा बाबा कहाँ है? वो है अपने कमरे में, आज घर पर ही है, जाओ मिल लो उनसे। मुझे आपसे बात करनी है। मैं नहीं जानती कि मम्मा ने आपसे क्या कहा है, लेकिन मैंने उनसे कोई बात नहीं की। पापा प्लीज मेरा यकीन करें। बहुत यकीन था तुम पर, मान था, भरोसा था, सब कुछ खाक में मिला दिया तुमने। पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो आपको दुख पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी ये फजूल बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं, और भी बहुत से काम है करने को मुझे। पापा आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? कौन जिब्रान, किस जिब्रान की बात कर रही हो तुम? जिससे आप मेरी शादी करवा रही हैं। सारा क्या हो गया तुमको? तुम्हारी शादी तो खिजर से हो रही है। क्या? हाँ खिजर आया था मेरे पास, उसने मुझे बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो, और ये कि उसने अपने अम्मा अब्बा को भेजा था और गजाला के कहने पर एहसान ने इनकार कर दिया। उसने कहा और आपने उसका यकीन कर लिया, मुझसे पूछा भी नहीं आपने। कि इंतहाई घटिया इंसान है मम्मा, मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा मैंने उसको कहा था कि मैं तुमसे पूछूंगी, तुम्हारे दिल का हाल जानना चाहती हूँ, उसने मुझे मना किया। उसने कहा कि सारा आपको कभी भी नहीं बताएगी क्योंकि वो अपनी सौतेली माँ के खौफ में रहती है और उनकी मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाती। मम्मा वो मुझसे कई बार बदतमीजी कर चुके,
यहाँ तक कि एक दिन मुझे एक वीरान सी जगह पे ले जाके पूरी रात उसने मुझे बांध के रखा ताकि सबकी नजरों में मुझे गिरा दे, और आपने मेरी उसी से शादी तय करवा दी। मायरा, 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 मायरा बेटा, तुम्हारी खाला का फोन आया, जिब्रान तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता है। अरे भाई, तुम ऐसे खाम खाम में परेशान हो रही थी कि उसके नजदीक तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। यहाँ देखो, मैंने जिक्र किया शादी का और यहाँ उन्होंने डिनर का प्रोग्राम बना दिया। अरे मायरा, सुन रही हो ना? मायरा, 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 बाबा, बाबा क्या हो रहा आपको? एहसान, बाबा, एहसान क्या हुआ आपको? बाबा, 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 एहसान, आंखें खोले, तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। एहसान, एहसान आप ठीक तो है ना? एहसान, एहसान सब ठीक हो जाएगा। एहसान, एहसान आप खुद को संभालें। एहसान, एहसान, मामा मैं ड्राइवर के साथ पापा के पास जा रही हूँ। मैं चाहते हुए भी अच्छी मां नहीं बन सकी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बस मुझे ना अभी बाबा के पास जाना है, बाबा मुझसे बहुत नाराज हैं। मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों को सिर्फ दुख दिया, और देखो अभी भी क्या करने लगी थी, कितना बड़ा सुन। लेकिन यकीन जानो सायरा, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती थी, मुझे मालूम नहीं था। मुझे मालूम है, बस मेरी किस्मत में ही बस ऐसे लिखा है। चलो जाओ। हेलो, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खुदगर्ज लड़की नहीं देखी। ये तो पता था कि तुम अपने सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करती। का अंदाजा नहीं था कि इतनी खुदगर्ज भी हो सकती हो। क्यों अपने माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रोंद कर तुम अपनी झूठी मोहब्बत हासिल करने चल पड़ोगी? अगर तुमने यही बकवास करनी है तो मैं फोन बंद कर रही हूँ। फोन तो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए किया था कि आज तुम्हारी वजह से मेरे पापा जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सिया, पापा को कुछ हो गया है। फिजा कह रही थी कि वो मेरी वजह से जिंदगी और मौत की कश्मकश में। ओ कम ऑन मायरा, ऐसा नहीं हो सकता। किसी की वजह से कोई जिंदगी और मौत की कश्मकश में आ जाए, वो वैसे ही तुम पर अपना गुस्सा उतार रही हो। नहीं सिया, फिजा बाबा के बारे में झूठ नहीं बोल सकती। यकीनन बाबा को कुछ ना कुछ हुआ है, मेरा दिल बहुत घबरा। चलो तुम परेशान ना हो, हम सुबह चलेंगे उनको देखने। बहुत प्यारी है। क्या हुआ बाबा को? बाबा को हार्ट अटैक हुआ। करे ना मेरे बाबा को कुछ ना हो। अब वो खतरे से बाहर हैं, सुबह इंशाल्लाह उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे। मामा, आप और फिजा कुछ देर जाके घर पे रेस्ट कर लें, अब मैं पापा के पास रहती हूँ। नहीं, मैं आपके साथ यहीं पर रुकूंगी, मुझे मामा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप उनको भेज दें।
मैं जानती हूँ आपके इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। आप मेरी वजह से इस हाल को पहुंचे। मेरा यकीन करें, मैं खिजर को नहीं पसंद करती। मेरे और खिजर के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बाबा, खिजर ने मामा के पास आके अपनी और मेरी मोहब्बत की झूठी कहानी सुनाई है। मामा, मामा कहाँ है बाबा? क्या हुआ है उन्हें? क्यों आई हो तुम यहाँ? दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ, चली जाओ। खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। मुझे जिया से मोहब्बत थी, इसीलिए मैंने उनसे शादी कर। बंद करो अपनी बकवास, नहीं सुनना मुझे तुमसे। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। ऐसे तो मत कहें, मैं आपसे माफी, मुझे बाबा से भी माफी मांगी। मुझे बताएं तो सही, वो है किधर? किस मोहरा, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी और जिंदगी में कभी हमारा सामना मत करना। चलिए चलिए यहां से, मैं तुमसे कह रही हूं दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। जिब्रान भाई, क्या आप अपनी सारा पे को पसंद करते हैं? मेरे पसंद करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ आप ही कर सकते हैं। सारा पे तो मायरा की वजह से कभी भी अपनी पसंद का इजहार नहीं करेंगी। मायरा की वजह से? क्या मतलब? उस वक्त मायरा आपसे मोहब्बत की दावेदार थी और सायरा पी ने हमेशा दूसरों का एहसास किया, अपने जज्बात की कभी परवाह नहीं की। लेकिन सायरा तो खिजर से? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खिजर तो जबरदस्ती सायरा पी के पीछे बड़ा हुआ था और अब तो बाबा ने भी उनकी अच्छी खासी खिंचाई की। तो क्या मतलब, मैं मामा को भेजूं फिर? ये बात तो आप अपने दिल से पूछनी चाहिए। अगर आज भी आपके दिल में सारा पी है तो प्लीज इन फजूल सोचों को अपने जहन से निकाल दें। आपको एक बात बतानी थी मैंने। हाँ कहो जिब्रान, बोलो बेटा, पहले खाना तो खा लो। जी खाता हूँ। मामा, वो सायरा के बारे में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि खिजर ने फैलाई हुई थी, आज फिजा मिली थी मुझे, उसने बताया। जिब्रान बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है। थैंक यू मामा। ये लीजिए। जिया, मुझे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है। क्यों? क्यों का क्या मतलब? मेरा मास्टर्स इनकम्प्लीट है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। लेकिन तुम यूनिवर्सिटी कैसे ज्वाइन कर सकती हो? तुम तो जानती हो हमारी शादी का टॉपिक कितना हॉट हुआ है, लोग बातें बनाएंगे। ओह व्हाट, जिसे जो बोलना है वो बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या मैं लोगों की बातों से डर के घर में बैठ जाऊँ? एक बात मुझे बताइए, आप नहीं जा रहे क्या यूनिवर्सिटी? हमारी शादी के बाद आप भी तो जा रहे हैं ना? मेरी बात और है, लोग बातें बनाएंगे, जेम मुहैया करेंगे तुम्हारे। मैंने कहा ना, हेल्प विद देम, आई डोंट केयर। और वैसे भी लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। आज ये टॉपिक है, कल को उन्हें कोई और टॉपिक मिल जाएगा, फिर ये टॉपिक पुराना हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। प्लीज, आप हर दफ़ा यही कह देते हैं और मेरी हर बात टाल देते हैं। मैं अकेले घर में बोर हो जाती हूँ जिया, आई वांट टू डू समथिंग। शाम में बात करते हैं। बार मुझे इग्नोर करके यूं ही चले जाते हैं, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। शाम में बात करते हैं। एहसान, वो सुमेरा आपा जिब्रान के लिए सायरा का हाथ मांग रही हैं। ये मायरा की बदकिस्मती है कि उसने इतना अच्छा सुलझा हुआ पढ़ा लिखा लड़का छोड़कर उस उम्र रसीदा शादीशुदा बच्चों के बाप को चुना। बहरहाल सायरा के लिए जिब्रान
बेहतरीन इंतखाब होगा। ठीक कह रही हो। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया। हाँ बेटी, मैं जबरान के बारे तुमसे राय लेना चाहता था बेटा, इसलिए कि आपा ने तुम्हारा रिश्ता जबरान के लिए मांगा है। बाबा, जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर है। नहीं बेटा, इस बार मैं अपनी तरफ से कोई भी ऐसा फैसला तुम पर मुसल्लत नहीं करना चाहता बेटा, जिसमें मेरी बेटी की खुशी शामिल ना हो। बाबा, आपकी जो भी मर्जी होगी वो मेरी पसंद होगी, आपका जो भी फैसला होगा वो मेरी चॉइस होगा। जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो। यूनिवर्सिटी के बाहर वो लड़का तुम्हारे साथ कौन खड़ा था? वो सोबिया का भाई था, मुझे नोट्स देने के लिए आया था। और आप मुझसे ये किस लहजे में बात कर रहे हैं? जो मैं कहना चाह रहा हूं तुम अच्छी तरह समझ लो। मतलब क्या है आपका? आप उस पर शक कर रहे? तो क्या नहीं करना चाहिए? तुम जैसी लड़की पर मैं एतबार कैसे कर सकता हूं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी घटिया सोच के मालिक हो गया। अपनी जबान को लगाम दो, वरना क्या क्या कर लेंगे आप? आपको क्या लगता है कि आपके दिल में जो आएगा आप बोलते रहेंगे और मैं सुनती रहूंगी खामोशी से? जिया, ये मत सोचिएगा कि मैं उन लड़कियों में से हूं जो बिना वजह अपने शौहर की ज्यादतियां बर्दाश्त करती हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं और तुम जैसी लड़की से कोई उम्मीद भी नहीं रखी मैंने। मुझ जैसी लड़की कैसी होती है? मुझ जैसी लड़की जो लड़की अपने मां बाप की इज्जत नीलाम करके घर की चार दीवारी फलांग जाती है, वो कैसी होती है? ऐसी होती है। खिजर, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में बगैर इजाजत दाखिल होने की? चचान, आप सियाती कर रहे हैं। वैसे तो आप बड़े असूल पसंद बनते, कहां गए आपके असूल तरीके जाब्ते? आपने खुद ही मेरे साथ सायरा का रिश्ता तय किया, शादी की तारीख भी रखी और मुकर गए। इस बकवास को बंद नहीं कर सकते? तुम जैसे चीटर और बेहुदा इंसान के साथ अपनी मासूम बच्ची का रिश्ता मैंने किया था ना, मैंने। सो मैं ही इस रिश्ते को ब्रेक कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं इस रिश्ते को। जाओ, जाके अपने बाप से बात करो। देखिए चचा जान, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपके रुतबे का ख्याल किए बगैर आपके साथ कोई ज्यादती ना कर जाओ। ज्यादती तुम करोगे मेरे साथ? जो तुम्हारे जी में आता है करो, लेकिन इस वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। ओके, लेकिन देखिए चचा जान, सायरा मेरी है और मेरी ही रहेगी, किसी और की दुल्हन नहीं बन सकती। और आप हरगिज ऐसा करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आई विल किल यू। तुम मुझे मार दोगे? यस। खाला की तबीयत कैसी है? ठीक। आप नाराज हैं मुझसे? तो क्या नहीं होना चाहिए? तुम क्या समझती हो अपने आप को? चल मैं मोड़ी तुमको फिर से। तुम इस तरह कैसे मेरे जज्बात को डिमीन कर सकती हो जैसे तुमने किया है? हाउ कुड यू इवन डू दैट? जिमरान, मैं बहुत मजबूर थी। वाओ, क्या एक्सप्लेनेशन दी है आपने, मैं मजबूर थी। उस वक्त तो आपने फरमाया था कि आपको किसर से मोहब्बत थी। मायरा को आपसे मोहब्बत थी।
और मेरे आप दोनों के रास्ते से हट जाने से ही आप दोनों एक हो सकते थे। देख लिया फिर अपनी कुर्बानी का नतीजा, और देख ली अपनी बहन की मोहब्बत। उस वक्त वो आपकी मोहब्बत में जुनूनी हो रही थी, मैंने तो बस अपने रिश्तों का कर्ज चुकाना चाहा था। क्या मतलब है कि रिश्तों का कर्ज चुकाना था? मेरी मोहब्बत का तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, और तुम मेरी मोहब्बत के थ्रू दूसरे रिश्तों का कर्ज कैसे चुका सकती हो? यू नीड टू आंसर मी ऑन दैट। आई एम सॉरी जिब्रान, आई एम सॉरी मैंने आपको हर्ट किया। थिंक फॉर अ व्हाइल, अगर वैसा हो जाता तो क्या होता सारा? मेरी और तुम्हारी, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। एनीवे, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं, और अपने और मेरे दरमियान तुम किसी भी सूरत किसी को भी आने नहीं। यू हैव टू प्रॉमिस मी ऑन दैट। आई प्रॉमिस। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हो, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। थैंक यू मम्मा। सायरा बेटा, मैंने हमेशा तुम में, मायरा और फजा में फर्क रखा, हमेशा नफरत की तुमसे, सौतेलेपन का जहर कतरा कतरा उतारती रही तुम्हारे अंदर। प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो। मम्मा आप ये सब कह के मुझे शर्मिंदा तो मत करें। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया बेटा, और अब मैं इसका अजाला करना चाहती हूँ। देखो तो कौन आए। आ जाओ। बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई, मैंने तुम्हें दुल्हन बने हुए देख लिया। खजाना, तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी और आखिरी ख्वाहिश पूरी की। क्यों शर्मिंदा कर रही? माँ हो तुम इसकी, यह तुम्हारा हक है। अब आंसू में अच्छा भाई, अब ये रोना धोना बंद, तुम माँ बेटी बैठकर बातें करो, मैं जरा चेंज कर लूँ बारात आने वाली। थैंक यू। हमेशा सुनते हैं कि इंसान जिस चीज़ के लिए कोशिश करे वो उसको मिल जाती है, लेकिन आज इस बात का यकीन कि जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी होती है ना, वो आपको मिलती है। मेरा नसीब ही आपसे लिखा था, ये कैसे बदल सकता था? तुम्हें ना पाने की सजा बहुत बड़ी, बड़ी मुश्किल से अपने आपको संभाल लेते, बहुत तकलीफ होता, और जानती हो संभाला भी क्यों था? क्योंकि यह डर था कि मेरी वजह से मामा को कुछ ना हो जाए। मैंने आपसे अलग होने का फैसला बहुत मुश्किल से किया था, मैंने खुद से मुंसलिक रिश्तों को बचाने के लिए आपसे अलग होने का फैसला किया।
जिस तरह खुद से मुंसलिक रिश्तों को निभाया है ना, मुझसे एक चीज का वादा था कि इस रिश्ते और इससे मुंसलिक हर रिश्ते बिल्कुल उसी मोहब्बत और उसी चाहत और उसी सच्चाई के साथ तुम ये वाला रिश्ता और इससे मुंसलिक जो रिश्ते हैं उनको कहाँ है? कौन लोग और अंदर कैसे आ गए? वो तो ऑफिस गए हैं। वो आए तो ने हमारा पैगाम दे देना कि के साहब के रास्ते में ना आए। कल को जो होगा आप लोगों के साथ उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। नहीं नहीं मैं बता दूंगी उन्हें। उन्हें रोकना नहीं, उन्हें समझाना भी है। समझ आ गई या कोई सबूत छोड़ जाऊं? जी जी जैसा आपने कहा है वैसा मैं कह दूंगी। शाबाश, आज के लिए इतना ही काफी है। मन की समझ नहीं आती बेटा। क्यों? अभी अभी तुम लोगों की शादी हुई है। फिर मैंने कहा था कुछ दिन इंतजार करो, जाओ हनीमून पे जाओ, सैर वैर करो, कोई छुट्टी कर लो, लेकिन नहीं, दफ्तर चला गया। कमाल है। खाला, आजकल ऑफिस में ना वर्कलोड बहुत ज्यादा है, जिब्रान बता रहे थे। बस ये थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे कहीं घूमने फिरने। जरूर जाना बेटा, लेकिन सुनो आज ना गजाला के यहाँ चली जाना, वो दो दिनों से बुला रही है। आज हम लोग जरूर जाएंगे, आज जुबरान ऑफिस से भी जल्दी आ जाएंगे। अच्छा आप मुझे अपने कपड़े बता दें फिर मैं वो प्रेस करवा दूँ। मैं नहीं जाऊँगी बेटा, बस तुम लोग जाओ। अब इस उम्र में क्या घूमना फिरना, मेरा जी चाहता है कि मैं घर में रहूँ बस आराम कर। मम्मा ने खास तौर पर आपको बुलाया है। तुम लोग पता नहीं कितनी देर लगाओगे, फिर मुझे बहुत देर हो जाती, मैं दवा खा के सोना चाहती हूँ। खाला हम लोग जल्दी आ जाएंगे। नहीं तुम लोग जाओ। चलें ठीक है, अब मैं फिर जाके जिब्रान और अपने कपड़े निकलवा दूँ। ठीक है जाओ, उसे कहो इस्त्री कर दी। सायरा, बेटा सुमैरा अभी नहीं आई? मैंने तो बहुत कहा था उनसे लेकिन वो मेडिसिन लेके सो गई। अच्छा चलो ठीक है, मैं सुबह फोन करके उनका पूछ लूंगी। भाई वो आज कोई खाने वाने का प्रोग्राम नहीं है क्या? बातों बातों में ही पूरा वक्त गुजार देना आप लोगों ने। बाबा खाना बस तैयार है, मैं बस अभी लगवाती हूँ। तो ये बताओ मेरी बेटी के माशाल्लाह जबरान मियाँ का बिजनेस अब कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बल्कि मामा उन्हें तो काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। काफी लकी साबित हुई हूँ मैं उनके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, बहुत ही प्यारी और बहुत ही मासूम है। यूं ही तो नहीं दिल आ गया ना मेरा आपकी बेटी पर? बस बहन आपकी चाहत और मोहब्बत है। वो जो बाहर मिली थी वो आप ही की बेटी थी ना? जी जी वो बड़ी बेटी है, माशाल्लाह से शादीशुदा है वो। ओह अच्छा अच्छा, माशाल्लाह दोनों ही बेटियां आपकी बहुत प्यारी हैं। बस जी अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। फिजा बेटा और क्या शौक है आपके? जी बस कुकिंग का शौक है। वाह ये तो बहुत अच्छा शौक है। जीती रहो। ये तुम क्या कह रही हो फिजा? अभी तो तुम्हें आगे पढ़ना है, कुछ बनना है, तो फिर ये शादी दरमियान में कहाँ से आ गई? सायरा आपी, जो बदनामी का दाग हमारे दामन में मायरा लगा कर गई है वो इस कदर नुमाया है कि उसे देखते हुए शायद ही कोई रिश्ता हमारे घर में आए, और अब जो लोग आए हैं शायद उन जैसा जर्फ कोई और ना रखता हो। फिजा वक्त की धूल में सब दाग मदम पड़ जाते हैं। लेकिन आप ही एक जरा सी हवा का झोंका सारी धूल उड़ाकर ले जाता है। तो क्या तुम अपने ख्वाबों से दस्तबरदार हो जाओगे? है तो मुश्किल, मगर इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। मामा बाबा को अगर इत्मीनान हो जाता है तो उनकी खुशी के लिए यूं ही सही। हमारी नन्नी सी फिजा इतनी बड़ी हो गई है कि अपने कंधों पे इतना बोझ उठा लेगी। क्या करूं आपी, मायरा बोझ ही इतना डाल गई है, उठाना तो पड़ेगा।
काश फिजा, काश कि मायरा भी तुम्हारी तरह रिश्तों का पास रखती तो तुम्हें ये कुर्बानी ना देनी पड़ती। सही कह रही हैं आप ही, सही कह रही हैं आप। अरे आखिर मुझे ये बताओ तो सही कि इतनी बड़ी रकम का तुमने क्या किया? बस बाबा मुझे जरूरत थी। ये ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि इतनी सारी रकम तुमने अपने बाप की मेहनत से कमाई हुई एक मिनट में जाया करके रख दी? बाबा मैंने आपसे बोला ना मुझे जरूरत थी, मैंने खर्च कर दी है। क्या एक बेटे का अपने बाप की कमाई पर जरा भी हक नहीं है? हक है लेकिन तुम जैसे बेटे का नहीं। तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे ये तो इल्म हो गया था कि तुम खुद सर हो गए हो, लेकिन मैं सोच रहा था कि जवानी है तुम्हारी, लेकिन तुम अयाश हो चुके हो, झूठ बोलते हो, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह होगे। आखिर ये नीलम कहाँ चली गई है? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन भी अटेंड नहीं कर रही। उसके मुलाजिम को कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ मेरी नीलम से बात कर रहा हूँ। क्या घर खाली करके चले गए? कहाँ गए हैं वो? क्या मतलब है तुम्हारा? नए किराएदार आने वाले हैं? मतलब नीलम किराए पर रहती थी? ओह माय गॉड, क्या लड़की है ये! ना घर उसका, ना गाड़ी उसकी। चीटर। मायरा, तुम्हारा फोन बज रहा है। मायरा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो, मैंने सायरा को जिब्रान के रास्ते से हटाने में तुम्हारा साथ दिया, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, वरना मैं जिब्रान और एहसान चचा को तुम्हारी सारी हकीकत बता दूंगा। कैसी हकीकत? आप कौन बोल रहे हैं? ये मायरा का नंबर नहीं? मैं मायरा का शौहर बोल रहा हूँ। तुम कौन हो और मेरी बीवी के बारे में क्या कुछ जानते हो? जी, मेरा नाम खेजर है और मैं आपकी बीवी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अगर वो सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो 50,000 रुपए आप मुझे देंगे तो मैं आपको सारी हकीकत बता दूंगा। जल्दी बोलो, रकम कब और कहाँ पहुंचानी है? मैं आपके नंबर पर अपना अकाउंट नंबर टेक्स्ट कर रहा हूँ, आप अमाउंट ट्रांसफर करवा दीजिएगा। जैसे अमाउंट मुझे रिसीव होगी मैं आपको आपकी बीवी का माजी बता दूंगा। ये अम्मी ने दिया था तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए, और अब यहां से उठो और जगह खाली करो, मैं सोना चाहता हूं। तुम उठी नहीं अभी तक? उठो, चेंज करो और सोफे पर सो जाना, मुझे बहुत नींद आ रही है। उठो भाई, जल्दी करो। शादी बहुत बहुत मुबारक हो यार सर। थैंक यू जी। तुम्हारे ससुर तो सुना है अपनी करप्शन की वजह से सस्पेंडेड है आजकल। जी क्या वाकई? लगता है तुम्हें काफी हकीकतों से ला इलम रखा गया है। क्या मतलब है आपका?
तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस लड़की को फारिग करो और वापस जाके लैला से शादी कर लो। लैला से शादी? मगर आपको कैसे पता? हमें हर बात की खबर होती है। इस लड़की की बड़ी बहन घर छोड़कर भाग गई थी और ये लड़की भी किसी के साथ, समझ गए होंगे। लेकिन अभी वापस कैसे? मेरा मतलब है हमारी तो ट्रेनिंग चल रही है ना। केके सर ने तुम्हारी एप्लीकेशन मंजूर कर ली है, अगले हफ्ते तुम्हें दुबई ब्रांच रिपोर्ट करना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, याद रहे एक बात का खास ख्याल रखना, इस मामले के बारे में हमारा नाम आने ना पाए। आप फिक्र ही ना करें। तुम अभी तक यहीं बैठी हो? चलो उठो, खाली करो कमरा। यासिर, मेरा और आपका निकाह हुआ है, आप इतनी आसानी से ये बंधन नहीं तोड़ सकते। मैंने कहा ना बहस मत करो। क्यों ना करूं बहस, जब रिश्ता निभा नहीं सकते थे तो जोड़ा ही क्यों था? शादी जैसे मुकद्दस बंधन का मजाक ही बना डाला है आपने तो। तो ठीक, मैं इस बंधन को अभी तोड़ देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। दफा हो जाओ यहां से। जज्बाती मत बनो, होश से काम लो। हो सकता है फिजा एक अच्छी बीवी साबित हो, हमें इसे एक मौका तो देना चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता, हम इन लोगों के घर जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे क्यों छुपाई। पर वैसे भी इसकी बहन की सजा हम इसे क्यों दें? हमें कुछ सोचना चाहिए बेटा। अम्मी, मैं उसे तलाक दे चुका हूं, आप उसे उसके घर भिजवा दो प्लीज। आप परेशान ना हो, बाकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम घबराओ ना। हाँ, पता नहीं कि मेरे दिल बहुत ठीक हुआ है। इंशाल्लाह कुछ नहीं हुआ, जिस आप देख हो गए। हेलो जी फरीदा, मैं बस स्वास्थ्य लेने आ रही हूँ, रिस्पॉन्स के बारे में। हेलो, हाँ हाँ, क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ एहसान? वो साइमा का इंतकाल हो गया है। कहाँ है वो नालायक, और उसने अपना टेलीफोन क्यों बंद कर रखा है? जरूर उस लड़की के साथ होगा। अंकल, वो खिजर को किसी ने गोली मार दी है, उसका मोबाइल वगैरह छीनकर 2 दिन पहले किसी ने उसको गोली मार दी थी, उसकी लाश। बस बस कमी, तू भी उसके साथ मिल गया? ये तुम दोनों की एक नई चाल है मुझे तंग करने की, हैं? नहीं अंकल, ये उसकी कोई चाल नहीं है।
उसकी सारी चालें उसके साथ चली गई। मैं इस वक्त थाना सिटी के बाहर खड़ा हूँ, आप उसकी डेड बॉडी आकर रिसीव कर लें। ये दुख कम ना होंगे। तलाक के पेपर, या अल्लाह, इतनी बड़ी आजमाइश, ये सब क्या है फिजा? फिजा ये सब क्या है? ये तूने भी अपने माँ बाप को जिल्लत के अंधेरों में धकेल दिया। मामा, इसकी वजह भी मायरा ही है। उससे पहले मेरी बहन का घरनामा वहां पहुंच गया था। मेरी शादी के दूसरे रोज ही मेरे शौहर ने मुझे भागी हुई बहन का ताना दे दिया था। सायरा, सायरा हिम्मत से काम लो, अल्लाह पाक को यही मंजूर था, हौसला करो। हाय अल्लाह गजाला, ये तुम कैसी बात कह रही हो? इन्होंने हमारी फूल सी बेटी पे इतना बदनुमा दाग लगा दिया, कैसे कह दिया इन्होंने ये उसके बारे में? कितने जालिम हैं। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, बस ओके ओके। ला जिब्रान, सायरा जल्दी आओ। क्या क्या वो मामा सब ठीक है? नहीं जिब्रान, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बस गजाला के घर सब ठीक नहीं है। क्या हुआ? बाबा तो ठीक है ना? बाबा कैसे ठीक हो सकते हैं बेटी? जिस बाप की बेटी तलाक लेके घर आ जाए वो कैसे ठीक हो सकता है? फिजा को उन्होंने तलाक दे दी। जिया, जिया मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने, आप कहे तो आपके पैर पकड़ लूं, मुझे जाने दे, मुझे माफ कर दे, मुझे आजाद कर दे, मैं इस कैद से छुटकारा चाहती हूँ। यहाँ मेरा दम घुटता है, मैं मर जाऊंगी जिया, मुझे इस कैद से छुटकारा चाहिए, मुझे जाने दे। आपकी भी तो बेटी है ना, रहम करें मुझ पे। जो हमारा मैंने मैंने तुम्हें आजाद किया, तुम आज के बाद मेरी हर किस्म की कैद से आजाद हो। बस ये काम करना, मेरी मेरी बेटियों को बद्दुआ मत देना, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, मुझे माफ कर देना। जा सकती हूँ। प्यार के जज्बा सारे खो गए, खून के रिश्ते भी दुश्मन हो गए। खूबसूरत हाँ देखे थे कभी, खुश्क पत्तों की तरह बिखरे थे सभी। अतरा अतरा जिंदगी के जहर को पीते रहो। तुम क्या लेने आई हो यहाँ, या फिर ये देखने आई हो कि तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई इस घर की खुशियों को किस तरह से निगल गई है? मामा मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। गलती? तुम इसे गलती कहती हो? तुम्हारी इस गलती की वजह से हमारे घर पर कैसी कैसी कयामतें टूट पड़ी और तुम कह रही हो तुमसे गलती हो गई? एहसास है मुझे मामा, और मुझे इस गलती की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। तुम्हें तो तुम्हारी गलती की सजा मिल गई, लेकिन इस मासूम का क्या गुनाह था
जो तुम्हारी गलती की सजा भुगत रही है? बोलो, जवाब दो। मामा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे दिल से एहसास है, मुझे माफ कर दे। तुम्हारी शर्मिंदगी हमारी असियत कम नहीं कर सकेगी, तुम्हारा एहसास हमारी शर्मिंदगी हमारी जिल्लत कम नहीं कर सकेगा। तुम्हारे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं, निकल जाओ यहां से। कहां जाऊंगी, मेरा कौन है आप लोगों के सिवा? मुझे तो जिया ने भी घर से निकाल दिया है बाबा। जहां मर्जी तुम जाओ, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। जाओ, मैं कह रही हूं, चली जाओ यहां से। नहीं मामा, मुझे माफ कर दे, मुझे मुझे खुद से दूर मत करे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। मामा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मेरा कोई नहीं है आप लोगों के सिवा, मैं कहां जाऊंगी, मुझे जरूरत है आपकी मामा। तुम्हारी इस गलती की कोई माफी नहीं, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। बंद है यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए, चली जाओ। नहीं नहीं मामा, नहीं, मुझे आपकी जरूरत है मामा, मुझे बंद मुझसे गलती हो गई है, मगर मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। सारे खो गए खून के रिश्ते भी दुश्मन खो गए। खूबसूरत ख्वाब देखे थे कभी, खुश्क पत्तों की तरह बिखरे थे सभी। अतरा अतरा जिंदगी के जहर को पीते रहो। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम तो जा चुकी थी। शिप्रान, खाला, मुझे माफ कर दे आप, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। माफ कर दे? माफी मांगनी है ना तो जाके अपने माँ बाप से मांगो, जिन्हें जिल्लत के अंधेरे में गुम कर दिया तुमने, या फिर अपनी बहन से जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। गई थी मैं मामा के पास भी गई थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे निकाल दिया घर से। बहुत अच्छा किया, तुम जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। प्लीज खाला, कम से कम आप तो ऐसा ना कहें, मैंने वैसे ही बहुत अजियत उठाई है। देखो लड़की, तुमने जो बात भी करनी है जाके अपने माँ बाप से कर, जिनसे तुम्हारा रिश्ता है। हमसे जो रिश्ता था वो तो तुम खुद तोड़ के चली गई थी। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, जाओ किसी और से जाके मदद मांगो। खाला, इतनी रात गए ये कहाँ जाएगी, प्लीज आज की रात इसे यहीं गुजार लेने दें। तारा, अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मैं ठीक हूँ, लेकिन प्लीज आप लोग इसे यहाँ से जाने का मत कहें। नहीं बेटा, इसे यहाँ से जाना होगा। खाला प्लीज, आज की रात सिर्फ मेरे कहने पर। अच्छा चलो, आज की रात ये रह ले यहाँ, लेकिन कल इसे जाना होगा। थैंक यू सो मच खाला। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। क्यों भाई, अब इतना इसरार कर रही थी, क्या मैं कहूँ अब। मारा, क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी? सॉरी जिब्रान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। खैरियत है, हुआ क्या? मैं जानती हूँ जिब्रान, मैंने आप सब लोगों का बहुत दिल दुखाया, मुझे माफ कर दे। वो ठीक है, लेकिन एकदम से क्या हुआ तुम्हें? मुझे पता है आप मुझे नापसंद करते हैं ना, अब भी और तब भी, जब मैं आपकी मंगेतर थी,
आपने मुझसे तो कभी मोहब्बत की ही नहीं, हमेशा सिर्फ सिर्फ सायरा को चाहा, मुझसे तो बस यूं ही मंगनी कर ली थी खाला के कहने पर। हमारा ये बात सच है कि मोहब्बत मैंने सायरा से की है, लेकिन तुम्हें मैं नापसंद नहीं करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने तुम्हें दिल से कबूल कर लेना था, लेकिन तुमने ना तो मोहलत दी और ना ही वक्त। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरी बर्बादी के जिम्मेदार आप भी हैं। अगर आप मेरे साथ बेरुखी ना बरतते तो ये सब कुछ ना होता। जिया ये जानते थे कि मैं आपकी बेरुखी का शिकार हूं और इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया और मेरे करीब होते चले गए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? सारी गलती तुम्हारी अपनी और अब हर चीज के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो तुम। नहीं जिब्रान, आप इतनी आसानी से बरी उससे मां नहीं हो सकते। तुम ना बिल्कुल पागल हो चुकी हो, जाओ अपने कमरे में जाओ। सारी गलती अपनी और मेरे पे इल्जाम लगा रही। मेरा तो ख्याल था सायरा तुम आज आ जाओगी, लेकिन जिब्रान कह रहा है तुम कल आओगी। खाला मैंने आज आ जाना था, लेकिन फिर फिजा ने मुझे रुकने का कह दिया, मैं बस उसे मना नहीं कर सकी। अच्छा चलो बेटा वो तो ठीक है, लेकिन कल जरूर आ जाना। और वो जो तुम्हारी यहाँ मेहमान है ना, उसका तो कोई बंदोबस्त करो। जी खाला, वैसे मायरा ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस सुबह से खाना पीना छोड़ा हुआ था, वो जिब्रान ने जबरदस्ती उसे बाहर निकाला है, अब वो बेहतर है। लेकिन बेटा उसका कोई बंदोबस्त करो, वो कब तक यहाँ रहेगी? जी खाला। जिब्रान सायरा कब आएगी? एक दो दिन में आ जाएगी। मैं कुछ बात करना चाह रही थी आपसे। बैठो। मैं वो एक्चुअली मैं जॉब करना चाह रही हूँ। जॉब? लेकिन अभी तो तुम्हारी मास्टर्स की डिग्री भी इनकम्प्लीट है, पहले वो तो मुकम्मल कर लो। नहीं कर सकती, अब नहीं जाऊंगी मैं यूनिवर्सिटी दोबारा, बस मैंने सोच लिया है मुझे जॉब करनी है। अच्छा, किस किस्म की जॉब? कोई भी ऑफिस वर्क हो, कोई अच्छी कंपनी और उसमें ऑफिस वर्क, आप देखें ना प्लीज, आई थिंक यू कैन डू इट। वैसे एक वैकेंसी मेरे ऑफिस में भी है, मैं देखता हूँ। जी प्लीज, जितनी जल्दी हो मुझे बताइएगा। I'll do that. चाय पियेंगे आप? हाँ, अगर इजीली बना सकती है तो बना लो। Fine, not sure. अभी लाती हूँ। Thank you. आज खाने में क्या बनाऊँ आपके लिए? उधर चाय बना लेना, तुम्हें पता है मैं ज़्यादा तो फंसी हूँ नहीं खाने के मामले में। ज़्यादा देर तो नहीं हो जाएगी आपको? जिब्रान मैं रेडी हूँ, चले। मैं कार में आपका वेट कर रही हूँ। अरे सायरा, बेटा वो मायरा कहाँ है? खाला वो जिब्रान के साथ ऑफिस गई है। जिब्रान के साथ ऑफिस? वो क्यों? जिब्रान ने उसे ऑफिस में जॉब ऑफर की है। अरे जिब्रान का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं उसे घर से निकालने की कर रही हूँ और उसने उसे ऑफिस में जॉब ऑफर कर दी। खाला अच्छा है ना, इस तरह वो बिजी रहेगी, उसका ध्यान बटा रहेगा। मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं कि ये अच्छी बात है, आगे तुम बेहतर समझो। I don't think this is right. खैर बहरहाल जिब्रान भी पागल हो गया बिल्कुल। सायरा अभी तक सोई नहीं? जिब्रान का इंतजार कर रही हूँ, कैसे सो सकती हूँ? तो फिर तो तुम जिब्रान के इंतजार की आदत डाल। क्यों?
क्योंकि ऑफिस में वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। एक सिंगापुर से डेलीगेशन आ गया, आई थिंक जुबरान अब रोज ही ले जाया करेंगे। मायरा तुमने अपने बारे में क्या सोचा? अपने बारे में क्या मतलब? फिर कब तक रहोगे तुम यहाँ पे? जाओ जाके मामा पापा से माफी मांगो, खाला रोज तुम्हारा पूछती है। मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही जिब्रान को कोई इतराज है, तो फिर खाला को क्या मसला है? मैं चली जाऊंगी वापस, जब मामा और बाबा का मूड ठीक हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। जब मामा और बाबा को पता चलेगा कि तुम यहाँ रह रही हो तो वो और नाराज होंगे। जाओ जाके माफी मांग लो उनसे। मैंने कहा ना कि मैं माफी मांग लूंगी उनसे जब मेरा दिल चाहेगा, तुम टेंशन मत लो। मायरा तुम 2 माह से यहाँ रह रही हो, अब तुम मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो। तुम्हारे लिए क्या मुश्किलात है? देखो सायरा, माना कि ये घर तुम्हारा ससुराल है, लेकिन इस घर के साथ मेरा भी कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। मेरी खाला का घर है और जब तक मेरा दिल चाहेगा मैं इस घर में रहूंगी। हक है मेरा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। जाओ। हमेशा ऐसे ही करती है, बचपन से लेके आज तक मेरे लिए हमेशा बुरा सोचती है ये। क्या कर रही हो ये? जा रही हूँ यहाँ से, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। कहाँ जाओगी? कहीं भी चली जाऊंगी, ईदी सेंटर या फिर किसी हॉस्टल। देखो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, मैं खाला से बात करूंगा, आई एम श्योर वो तुम्हें माफ कर देंगी। नहीं करेंगी माफ मुझे, खाला मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगी और मैं अब खुद भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। मायरा, मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम यहाँ रुको, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैंने कह दिया ना तुम्हें, स्टे हियर। तारा, मायरा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और इसके यहाँ होने पर तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। देख लिया तुमने, जिब्रान चाहते हैं कि मैं यहाँ से कहीं ना जाऊं, उनकी नजरों के सामने रहूं। मायरा, अगर तुम चाहती क्या हो? जिब्रान को चाहती हूँ, दिलो जान से चाहती हूँ, और जिब्रान की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। मायरा, मैं तुम्हारे लिए तुम दोनों के रास्ते से हट गई थी, तुम खुद जिब्रान को छोड़ के गई थी। हाँ, मैं छोड़ के गई थी, मगर अब मैं वापस आ गई और तुम देख लेना, जिब्रान की रहूंगी। मैं जिब्रान को हासिल करके रहूंगी। जिब्रान एक जीता जागता इंसान है, कोई खिलौना नहीं है वो, जिसे जब दिल चाहा तुमने खेल लिया, जब दिल चाहा उसे फेंक दिया, और अब वो शौहर है मेरा। शौहर है तुम्हारा, मगर अब वो तुम्हें छोड़ देगा, मुझे अपना लेगा, मुझसे शादी करेगा और मेरा शौहर होगा वो। मायरा, अपनी इन बेलगाम और मुंह जोर ख्वाहिशों पे काबू पाना सीखो तुम, वरना मुंह के बल गिरोगी। उठिए बाबा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? बाबा, मामा, फिजा, मामा, सायरा, बाबा क्या हुआ है आपको? मामा, देखिए बाबा को क्या हो गया है? एहसान, क्या हुआ? एहसान होश करे, एहसान क्या हो गया आपको? पानी लेकर आओ, एहसान डॉक्टर को बुलाओ फौरन। एहसान, बाबा हटो पीछे, एहसान एहसान आगे खोले, एहसान बाबा, एहसान फिजा, एहसान खुदा के पास आगे खोले, एहसान एहसान आगे खोले, एहसान एहसान छोड़कर चले गए हमें। बस कर तो गजाला, अल्लाह मेरी मर्जी थी, बस कर दे मेरी बहन, बस कर दे। बाबा क्या लेने
लिए आई हो तुम यहाँ पर? जाओ यहाँ से। अब जी लिया तुमने मेरे पापा को, अब क्या ले लिया आई हो यहाँ पर? क्या क्या वो मेरे भी पापा थे? नहीं थे वो तुम्हारे पापा। अगर वो तुम्हारे पापा थे तो तुम कभी ऐसा ना करती। चले गए वो तुम्हारी वजह से। मामा आप सुन रही हैं क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हैं ये। तुम्हारी वजह से एहसान हमें छोड़कर चले गए। बस अब तुम भी चली जाओ यहाँ से। जाओ चली जाओ। बस बस ग़ज़ाला। जाओ। जाओ आके ये पानी लेके आओ, जल्दी करो। बस कर दे ना, बस कर दे ना, बस कर दे मेरी बहन, बस कर दे, बस 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 कर दे, बस मायरा। तुम वापस आ गई हो? क्यों, खैरियत है? जिब्रान मुझसे सब नाराज है। बाबा भी चले गए, मामा, फिजा, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। बात तो क्या, मेरी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं। मुझसे कहा चली जाओ यहां से, निकाल दिया मुझे घर से। हाँ वो शौक में है ना, परेशान होंगे। डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे वो लोग। नहीं, कोई ठीक नहीं होगा। सबने मुझे खुद से दूर कर दिया है। नफरत करने लगे सब मुझसे, सायरा भी, सब मुझे बुरा समझते। कोई ये नहीं समझता कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं क्या चाहती हूँ। कोई नहीं समझता, नहीं, सिवाय आपके। एक आप समझते हैं कि मेरा दिल क्या कहता है। आप मुझे यहां से ना कहीं दूर ले चले, जहां सिर्फ मैं और आप हो और कोई ना हो। रिलैक्स, तुम ये क्या कर रही हो? किस किस्म की बातें कर रही हो? सही कह रही हूं मैं बहुत अकेली रह गई हूं, तन्हा। कोई नहीं है मेरा, सब सायरा के, मामा, फिजा, सब सायरा को प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। आप सायरा को छोड़ दें, मुझे अपना ले। सायरा के पास तो सब है, मेरे पास कोई नहीं है। पागल, पागल तो नहीं हो गई हो? अपनी बकवास बंद करो, ठीक है? सदमे ने तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया। जाओ अपने कमरे में। इसमें पागलपन की क्या बात है? और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको सायरा को छोड़ना होगा, मुझे अपनाना होगा। मोहब्बत की थी आपने मुझसे। अपनी बकवास बंद करो और आज के बाद इस किस्म की फजूल बात अपने मुंह से मत निकालना। और तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। ये ना हो कि मैं तुम्हें हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दूं। क्यों बढ़ रही हो अपनी हद से? ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? जवाब दे, बताए मुझे। बताता हूं तुम्हें, आज के बाद ये मैं बात रिपीट नहीं करूंगा। सायरा मेरी मोहब्बत है, आज के बाद सायरा का नाम तुम अपनी जबान पे मत लाओ। मैं सायरा से मोहब्बत करता हूं और उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। ठीक है, समझ गई हूं मैं, समझ गई हूं और जान गई हूं कि मुझे क्या करना है। हाँ, मुझे क्या करना है मुझे पता है। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। आपकी जिंदगी में मैं सिर्फ सायरा है, मायरा कहीं नहीं है। किसी की जिंदगी में कहीं नहीं है। तो मायरा को जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। मुझे मर जाने दो, छोड़ दो जवा। नहीं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। कुछ नहीं हूँ मैं, तो मुझे मर जाने दो। छुरी, छुरी।
इस साइड से। वो चुप रही थी ना और मुझसे खोला नहीं जा रहा था। थैंक यू सो मच। अरे तुम कब आई सायरा? मुझे तो पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी, शायद मैं गलत वक्त पर आ गई। सायरा, सायरा, सायरा जी। डॉक्टर, परेशान होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली ऐसी कंडीशंस में अक्सर जो बीपी है ना ब्लू हो जाया करता है। आप बस इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखें। कैसी कैसी कंडीशन? आपको मालूम नहीं क्या आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है? सीरियसली? जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है आपका न्यूली न्यूली मैरिड कपल है और तभी फर्स्ट ट्रेमेस्टर खत्म होने वाला है और आपको इस चीज का अंदाज ही नहीं। जी आपने बस इतना करना है, उनको ये मेडिसिन टाइम टू टाइम देनी है और सेकंड उनकी डाइट का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ओके, ये मेडिसिन आपने। थैंक यू सो मच। मामा मुझसे कह रही थी कि मेरे साथ घर चलो। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही, अब ऐसी कंडीशन है सायरा की और ऐसे में मैं चली जाऊँ छोड़ के ही तो अच्छा नहीं लगता। सायरा ने मेरा कितना साथ दिया, अब मुझे भी तो सायरा के साथ रहना चाहिए ना। देखो मेरा, सायरा के पास मैं हूँ, अम्मी हैं, फरीदा भी आ गई हैं। मेरे ख्याल में तुम्हें खाला के साथ चले जाना चाहिए, वहाँ पर फिजा का भी दिल बहल जाएगा। अभी नहीं जबरान, सायरा की कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल हो जाए फिर मैं खुद ही चली जाऊँगी। फरीदा लंच ले आओ। मायरा कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस जा रही हूँ जिब्रान के लंच लेके। बाहर से कुछ खाएंगे तो हेल्थ ख़राब होगी ना, वैसे भी अब तुम तो कुछ कर नहीं सकती उनके लिए, तो मैंने सोचा मैं ही उनका ख्याल रख लूँ। मायरा ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, तुम जिब्रान को खो चुकी हो, अब वो तुम्हें कभी दोबारा नहीं मिलेगा। मिल जाएंगे, कोई भी चीज़ें भी हासिल करना मुझे आती हैं वापस, तुम परेशान। मायरा प्लीज, खुदा का वास्ता है, वो मेरा शौहर है, मेरा बजा बजाया घर मत खराब करो तुम, मम्मा के पास चली जाओ। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ कि खुदा के लिए सायरा चली जाओ हमारी जिंदगी से, छोड़ दो जिब्रान का पीछा, तो क्या निकल जाओगे हमारी जिंदगी से? हाँ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो मेरा शौहर है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। तो मैं भी तो जिब्रान से मोहब्बत करती हूँ ना, अब से नहीं ना जाने कब से, कैसे छोड़ दो उन्हें, नहीं रह सकती उनके बगैर, नहीं रह पाऊंगी। तो ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुम जिब्रान को छोड़ के उस जिया के साथ चली गई थी। और मायरा तुम ये मत भूलो, जिब्रान पहले भी मुझसे ही मोहब्बत करता था और आज भी वो मुझसे ही मोहब्बत करता है। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे समझ में आ गया है कि मर्दों का दिल कैसे मोह लिया जाता है। तुम्हें देखा है ना, तुमसे सीखा है, तुम फिक्र नहीं करो, जिब्रान का दिल अपने काबू में कैसे करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। देर हो रही, मुझे कहाँ रह गई? फरीदा लंच दो भाई, तुम भी घंटे लगाती हो एक काम। कॉफी। थैंक यू सो मच अभी, बहुत दिल चाह रहा था। You're most welcome. वो मैंने सोना था, I had to change my clothes. मैं गई थी रूम में मगर सायरा ने मुझे बाहर निकाल दिया और रूम लॉक कर लिया। कैसे लाऊं आपको सामान? पता नहीं इस तरह बिहेव क्यों कर रही है, उसका तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। जिब्रान एक काम कीजिए ना, आप कुछ देर आराम कीजिए, ये कॉफ़ी पीजिए, जब तक आई थिंक उसका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर आप रूम में जाके उससे खुद बात कीजिएगा। तुम जाते हुए प्लीज लाइट बंद कर देना। श्योर, मैं अभी लाइट ऑफ कर देती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। इस वक्त मेरा रास्ता मत रोको वरना मैं खुद को कोई नुकसान पहुंचा दूंगी। ना मेरा बच्चा,
फिर मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। परसों आपकी माँ का नमक खाया, आपको कैसे अकेला छोड़ दूं, और वो भी इस हालत में। मैं आपके साथ जाऊंगी, आइए। खिजर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता, मगर मैंने उसकी मोहब्बत को कभी सीरियस ही नहीं लिया। बाबा की खुशी नहीं थी, इसलिए मैंने हमेशा खिजर को धुतकारा, कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की। फिर जब मेरी तुमसे शादी हुई तो वो ये गम बर्दाश्त ना कर सका और उसने अपनी जान दे दी। मुझे बहुत देर से इस बात का पता चला, मगर जब से मेरे इल्म में ये बात आई है, मेरी जिंदगी से सुकून खत्म हो गया है। अब मैं आपके साथ खुश नहीं रह सकती, और मेरी वजह से आपकी जिंदगी का सुकून भी जा रहा है। मगर मैं आपको किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती। आपकी अमानत मेरे पास है, मुझे तलाक के कागजात मामा के घर भिजवा दीजिएगा, मैं आपको आपकी अमानत पहुंचा दूंगी। सायरा बीबी, अभी तो यही कुछ मिल सकता है। मैं थोड़ी देर में बाजार जाऊंगी, आपके लिए फल वगैरह लेके आऊंगी और कुछ सामान भी। चले, जब तक मैं फारिग नहीं हो जाती तो अम्मी के घर से आने वाला किराया, फिर कुछ मेरे अकाउंट में रकम भी मौजूद है, गुजारा हो जाएगा। बाद में कोई जॉब ढूंढ लूंगी मैं। वो छोड़े इन बातों को, चाय ठंडी होगी, मैं दोबारा गर्म करके ला। नहीं, 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 बैठे आप, कोई जरूरत नहीं है, बैठे मेरे पास। अच्छा, मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। मुझे बताओ, तुमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है ना? नहीं खाला, अभी तो अपने तौर पे तलाश करने की कोशिश कर। प्लीज जिब्रान, तुम फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता करो। जी करता हूँ। जी अल्लाह। क्या हुआ जिब्रान, कुछ पता चल? क्या कह रही? नहीं कुछ पता नहीं चला, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ रिपोर्ट लिखवाने। अच्छा, पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है जिब्रान? उसे कौन सा किसी ने अगवा किया है या कोई मसला हो गया, वो तो खुद गई है ना अपनी मर्जी से। लैला गजाला, मुझे क्या पता इस घर में क्या हो रहा है। मैंने तो सारी जिम्मेदारी सायरा को सौंप दी थी, न जाने क्या करती रहती है। सुना है कि कोई खत छोड़ के गई, अल्लाह जाने उसमें क्या लिखा हुआ है। अपनी माँ के नक्शे कदम पे ही तो चल रही है, इस बात का अंदाजा तो होना चाहिए था आप लोगों को। वो तो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलकर घर से गई, तुम किसके नक्शे कदम पर चलकर घर से भागी थी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। क्या बताऊं अब तुम्हें, सारा यहाँ से मायरा की वजह से नहीं, खिजर की वजह से गई थी। आप होश में तो हैं? हिजर भाई की भी डेथ हुए कई महीने गुजर चुके,
सायरा आपी का खिजर भाई से क्या लेना देना? हाँ तो खिजर की खुदकुशी की वजह सायरा तो थी, और सायरा इसी पछतावे की वजह से परेशान थी। एक मिनट, आपसे किसने कहा? मायरा ने बताया मुझे। शिवप्राण भाई, मायरा की बातों की तस्दीक तो कर लिया करें। खिजर भाई ने खुदकुशी नहीं की थी, उन्हें तो डाकुओं ने लूटने के बाद गोली मारी थी। वो तो किसी नीलम नामी लड़की के इश्क में अपनी सारी जायदाद लुटा चुके थे, और सारा भी अच्छी तरह से जानती थी। एक मिनट ठहरो। ये देखो, ये खत सायरा जाने से पहले छोड़ के गई थी, पढ़ो इसे। अब मुझे बताओ ये सच है या वो जो तुम मुझे बता रही हो? सच वही है जो मैंने आपको बताया। ये सायरा पे की राइटिंग है ही नहीं, ये खत उन्होंने नहीं लिखा। क्या कह रही हो तुम? ये खत तो मुझे अपने बेडरूम से मिला था सायरा के जाने के बाद। आप दोनों को पूरी प्लानिंग के साथ अलग किया गया है। अब तो समझ जाएं कि आप दोनों को कौन अलग करना चाहता है। प्लीज अब तो समझ जाएं। ये फिजा पता नहीं यहां क्यों आई थी, और जिब्रान ये भी न जाने कब तक सायरा की तलाश में यूं ही भटकता रहेगा। जिब्रान, क्या हुआ, सायरा मिल गई क्या? नहीं, मैं तो उसे ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं। अब क्यों ढूंढ रहे हैं आप उसे? जिब्रान वो तो खुद गई है ना यहां से, अपनी मर्जी से गई है, तो फिर क्यों अपने आप को टेंशन दे रहे, अपनी जिंदगी हलकान कर रहे? प्लीज ऐसा मत कीजिए। बताओ फिर क्या करूं मैं? जिब्रान देखे, हम दोनों का दुख मुश्तरक है। सायरा ने आपको छोड़ दिया और जिया ने मुझे, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की दिलजोई करें, एक दूसरे का दुख बांटें। अगर सायरा वापस आ गई तो? वैसे भी एक बहन को निकाह में रखते हुए मैं दूसरी से निकाह तो नहीं कर सकता ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे तलाक दे दीजिएगा। वैसे भी वो तो खत में लिख के गई है ना कि मुझे तलाक दे दो और मामा के घर भेज दो। तुम इतनी घटिया हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपना मतलब अचीव करने के लिए तुमने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। मैंने क्या किया, इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पे। अपनी बकवास बंद करो। तो सायरा के खत में क्या लिखा हुआ था, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं दिया था पढ़ने के लिए वो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, खत तो आपके कमरे में था, मैं वहां गई, देखा, पढ़ा हुआ था, खोल के पढ़ लिया बस। झूठ मत बोलो, तुम्हारी ड्रामेबाजी सारी समझ में आ चुकी है। वो खत सायरा ने नहीं लिखा था, वो खत तुमने लिखा था, और खिजर ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था। फिजा बेटा, उन लोगों ने हाँ कर दी है, मैंने उन्हें सारी बातें बता दी, मायरा के बारे में भी बता दिया था, उन्हें कोई एतराज नहीं, उन्हें तुम बहुत अच्छी लगी हो। चले, आपकी एक परेशानी तो खत्म हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूं। बस अब सायरा का पता चल जाए और मायरा घर वापस आ जाए। आए जिब्रान साहब, आए। सायरा, सायरा, सायरा। जिब्रान साहब वक्त जाया ना करें, हॉस्पिटल लेके चलें। इसको उठाएं। सायरा उठो, बीबी जी उठो बेटा, ध्यान से, ध्यान आराम से, पांव नीचे करो। सायरा, सायरा ओके, चप्पल पहन।
मामा, मैं घर वापस आ गई। आपके इस घर में मेरे लिए कोई जगह है या फिर से आप मुझे धक्के मार के निकाल देंगे? जो कुछ तुम करके आई हो खुद ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? आप ठीक कहती हैं, जो कुछ मैंने किया है ना, मेरे साथ यही होना चाहिए। आप भी मुझे जिब्रान और जिया की तरह घर से धक्के मार के निकाल दें। मैं अपना घर छोड़ के गई थी ना, देख ले, दरबदर हूं, आज तक बेघर हूं मैं। गलती मेरी है मायरा, जो मैंने तुम्हें शुरू से बर्दाश्त करना और दूसरों का एहसास करना सिखाया ही नहीं। हमेशा तुम्हारी हर जिद पूरी की मैंने, तुम्हारी हर गलती पर तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। तो ठीक है, मेरा यही अंजाम होना था। मामा, मैंने जो कुछ भी किया जिब्रान की मोहब्बत पाने के लिए किया, सारे जतन सह लिए मैंने, लेकिन उसका साथ नहीं मिला मुझे। कितनी कोशिशें की मैंने मगर नहीं, और वो सायरा, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जिब्रान उसकी जिंदगी में शामिल हो गया और मैं खाली हाथ रह गई। मायरा, मोहब्बत कोई ट्रॉफी या तमगा नहीं है जिसे लड़कर या खेलकर जीता जा सकता है। ये तो सच्चाई से हासिल होती है, जज्बों के एहसास से। देखो, तुमने सारा आपी की मोहब्बत उनसे छीननी चाहिए, लेकिन देखो तुम्हें क्या मिला। सारा आपी ने दो दफा अपनी मोहब्बत तुम्हारी झोली में रखी, लेकिन मोहब्बत सिर्फ उनके नसीब में थी, वो भला आपको कैसे मिल सकती थी? तुम ठीक कह रही हो फिजा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तुमने मुझे हर बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें नहीं समझ सकी। काश कि मैं तुम्हारी बात सुन लेती उस वक्त। मैंने अपने साथ साथ तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो फिजा। सुबह का भूला कर शाम को घर वापस आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। तुमने मुझे माफ कर दिया मामा, मामा मुझे माफ कर दे मामा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं वो ही करूंगी जो आप कहें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे मामा, मुझे माफ कर दे। मुझे तुम्हारी माफी नहीं बल्कि हिदायत के रास्ते पर चलने का अहद चाहिए। मैं अहद करती हूँ, मैं वादा करती हूँ आपसे, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बस मुझे खुद से दूर मत करो, अब कुछ गलत नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ आपसे। हेलो अम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो, सारा मिल गई है। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। कहाँ है बेटा? अस्पताल में है, और अम्मी आपका आपका पोता हुआ है। अरे माशाल्लाह, मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बस बस शिब्रान, मैं अभी आ रही हूँ और मैं मिठाई लेके आ रही हूँ, अभी सदका देती हूँ मैं। बहुत मुबारक बेटा, बहुत मुबारक। मामा, मामा मुबारक हो, जिब्रान भाई की कॉल आई थी, सायरा भी मिल गई हॉस्पिटल में और अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा बेटा दिया है। क्या अल्लाह, ये अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला। बहुत तंग किया तुमने, बहुत तकलीफ दी है, जानती हो। और आपने कुछ कम गलत किया मेरे साथ? वादा तो तुमने किया था कि मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, फिर ऐसा क्यों किया तुमने? तो आप ही दोनों छोड़ के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए थे, मैंने तो बस आपकी मुश्किल आसान की थी। और रियली, हालांकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, फिर भी तुमने ऐसा क्यों सोचा, बताओ? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब ये बेरुखी नहीं। जानता हूँ। कैसे है? बहुत प्यारा,
बिल्कुल मेरे जैसा। हम दोनों मिलकर तुम्हें तंग करेंगे, बर्दाश्त करना उन्हें।